गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो क्लियर आवाज करो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वृंदाई तुलसी देवई प्रिया आई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्य बतई नमो नमः। तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। जंग प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम। और एक बार जोर करके बोलिए बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये आवाज क्यों गूंज रहा है भाई? इसको जो गूंज रहा है इसको बंद करो। हरे कृष्णा हरे बोल। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री 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 माद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री 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 माद भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है बढ़िया दिन है। कहते श्री देवकी शुक्ला जी और श्री लाल शुक्ला जी इन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा रखवाई। जो भागवत कथा श्रवण करने के लिए हमें उन्होंने जो सुजोग प्रदान की है ये बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु जी कहा करते थे
जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमारे पास में पैसा की अगर बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर पैसा की अगर बल नहीं हो, अगर हमारे पास में मन की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। कहते जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमारे पास में जन बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन जगत में जो सबसे बड़ा बल है ये आत्मा बल है। कहते अगर हमारे पास में आत्मा बल हो ऐसे कुछ काम को हम कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे, इन्होंने जो ये श्रीमद् भागवत कथा रखवाई, न तो कोई धन बल से कर सकता है, न तो कोई जन बल से रख सकता है, न तो कोई मन बल से रख सकता है, न तो कोई आत्मा बल से रख सकता है। जब तक ठाकुर जी की, गुरु जी की, बांके बिहारी की कृपा बल नहीं हो, कभी ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकता और ये कथा कोई सुन भी नहीं सकता है। इसलिए हमारे शुक्ला जी जो इन्होंने भागवत कथा रखवाए, समझो ये बहुत बड़ा जगत में सबसे बड़ा पुण्य कर्म इन्होंने पैसा से करवाया है। इसलिए इनके लिए ताली आप लोग बजाओ, इन्होंने जो ये भागवत कथा रखवाई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, कदि ये साधारण भाग्य से ये कथा कोई रख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता है। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते जब करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये श्रीमद् भागवत कथा को कोई रख सकते और ये कथा को कोई सुन सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये बड़ा दुर्लभ है। बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः। कहते आज हमें जो ये सौभाग्य प्राप्त हुई है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये देवताओं को सौभाग्य में भी ये भागवत सुनने का सौभाग्य नहीं होता है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, हम जो 33 करोड़ देवता को हम जो पूजा करते हैं, ये 33 करोड़ देवता ये स्वर्ग छोड़ करके ये अमृत कलश लेकर के ये मरते जगत में आए। बोले सुखदेव अब ये परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? कारण है, इसका इको थोड़ा कम कर दो, कहाँ माइक वाला कहाँ गए, यहीं पर खड़े रहना, इसका इको थोड़ा कम कर दो। इसलिए बोले आप ये सुखदेव गोस्वामी को ये कथा सुनाने क्यों जा रहे हो? कारण है, इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया, ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा, इसलिए तो सुनाने जा रहे हो। बोले हाँ, बोले हम स्वर्ग से हम अमृत कलश लेकर के आए, लो ये पूरी की पूरी ये अमृत कलश ले जाओ और श्री परीक्षित महाराज को पिला दो, ये परीक्षित अमर बन जाएगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये हमें सुना दो। देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है, आज केवल भागवत कथा की महिमाएं हम सुनेंगे, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा हम कथा क्यों सुन रहे हैं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले को काच को मणिर महा, वो उदाहरण देकर कहते हैं, अगर कोई एक टूटे फूटे कोई कांच लेकर के आए, बोले ये कांच को आप ले लो, आपको पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो, आप वो मणि देंगे? इसलिए सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, ये जो स्वर्ग का अमृत कैसे है, बोले ये एक टुकड़े कांच की बराबर है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा ये मणि, ये मणि ये श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है। कहते कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवी सह कलौ नष्टा दृशा मेक
पुराण अर्क अधुना अद्वितीत। बल ये श्रीमद् भागवत रूप में भगवान जगत में क्यों अवतीर्ण हुए, कारण क्या था? बोले कारण था, बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये मर्त्य जगत छोड़ करके जा रहे थे, उसी समय वहीं पर श्री उद्धव जी थे। बोले प्रभु, आप तो ये मर्त्य जगत छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका आश्रय लेकर के रहूं? कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूं, लेकिन ये कलयुग में मैं ये दूसरे स्वरूप में भी विद्यमान रहूंगा। बोले प्रभु, आप कलयुग में किस रूप में रहोगे? कृष्ण खुद कहते हैं, बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये मेरा स्वरूप ही ये भागवत ग्रंथ, मेरे ये बांग मई स्वरूप ये भागवत ग्रंथ। कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करेगा, कदी ये भागवत कथा श्रवण करना और मेरे से मिलना कोई अलग नहीं। जो ये कथा सुनते हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण से ही हमारी मुलाकात हो रही है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, केवल अपना मतलब का हासिल करना जानते हो। कहां ये श्रीमद् भागवत ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है और ये अमृत को स्वर्ग अमृत को तुम बराबर कर रहे हो। बोले स्वर्ग अमृत पाने से की क्या होता है पीने से? बोले धीरे 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 पुण्य उसकी धीरे धीरे क्षय होता है, लेकिन ये कथामृत पान करने से क्या होता है? पुण्य बढ़ती है। और स्वर्ग अमृत पान करने से क्या होता है? कब तक ये स्वर्ग में निवास करते हैं? बोले जब तक इनकी पुण्य नष्ट नहीं हो जाए, और इनको पुण्य खत्म होते ही इसी मर्त्य जगत में पुनः उनका आना पड़ता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीव भगवत चरण को प्राप्त करता है। इसलिए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी नहीं सुनाए। संपूर्ण स्वर्ग की अमृत विनिमय में भी ये भागवत कथा देवता सुन नहीं पाए। बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य है, ये भागवत कथा जो श्रवण करते हैं वो देवताओं से भी ज्यादा ये पुण्यात्मा है। ये देवताओं से ज्यादा पुण्यात्मा जो ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। देखो बीच बीच में जयकार देनी चाहिए, जो जितने जोर से ये भागवत की जयकार दोगा ना, उसको उतना ही पाप खत्म होगा, उतना ही भक्ति बढ़ेगी। एक बार जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कदी ये भागवत कथा स्वर्ग में तो है ही नहीं, लेकिन इस स्वर्ग को ऊपर में जो ब्रह्मलोक है, कदी ये ब्रह्मलोक में भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो बेधे भावना बिहाई, कथा है तो भावना बिहाई, कथा है तो भावना बिहाई, कथा है तो भावना बिहाई। सुनी भक्त सारद आब कधाई, सुनी भक्त सारद कथा है तो आब न बिहाई, कथा है तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अगर कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा हो, बोले विधि कौन है? बोले ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? बोले सत्य लोक में, जैसे भूर भूव मोह जन तप और सत्य, ये ब्रह्मांड का
सबसे जो ऊंचा लोक ये ब्रह्मलोक है, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मा, अगर ब्रह्माणी को पता चले कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, कहते ब्रह्मा ब्रह्माणी वहां से धाई, धाई मतलब क्या, दौड़ दौड़ करके आते हैं। हम दौड़ दौड़ कर कहां जाते हैं, जहां माल मिलेगा। अगर पता चले ना ये बिजनेस से हमें लाख रुपया हमें इनकम होगा, क्या होगा, रात को अगर नींद भी नहीं आई कोई बात नहीं, रात भर हम जगे रहेंगे, क्यों, माल मिलेगा। लेकिन ये ब्रह्मा और ब्रह्माणी को पता है ये भागवत कथा से हमें जितने सौभाग्य, ये भागवत कथा से जितना हमारा लाभ होगा और दुनिया में और किसी चीज में हमें लाभ नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा ब्रह्माणी ब्रह्मलोक से भाग भाग करके आते हैं कथा सुनने के लिए। अभी माता जी और उनकी पति आए थे, माता जी उनकी पति कथा सुनने के लिए आए, मैंने इनको गेट से मिला, मिला आप कितना किलोमीटर दूर से आए हो, बोले 50 किलोमीटर दूर से। मैंने कहा अगर भागवत कथा कहीं हो ना, ब्रह्मा जी करोड़ों करोड़ों किलोमीटर से कथा सुनने के लिए आते, क्योंकि ब्रह्मा और ब्रह्माणी को पता है ये भागवत कथा के कितने महत्व है। इसलिए कहाँ छोड़ करके आते हैं, ये ब्रह्म लोक को छोड़ करके आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये क्या है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। कहते आप लोग कथा में नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे जानते हो, बताओ तो कहां पर बैठे हो, कल्प वृक्ष पर नीचे बैठे। कहते कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, बोले जो मांगो आपको वही मिलेगा। जो मांगो अगर सचमुच से 7 दिन तक आप निष्ठा पूर्वक कथा सुने, नियम से कथा सुने, मैंने बहुत सारी जगह पर गया है, कहते जिनकी संतान नहीं 20-25-30-35 साल से जिन बांझ थी जो माताएं, सारा दुनिया की काम कर लिए संतान नहीं हुए, लेकिन जब ये भागवत कथा सुने ना ध्यान से 7 दिन नियम करके उनकी बच्चे हुए। कहते जो निर्धन है उनको धन की प्राप्ति होगी, जो रोगी है इनको निरोगता की प्राप्ति होगी, जो दुखी है उसको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं हम कल्प वृक्षों पर नीचे बैठे हैं। जो कुछ मांगो ये भागवत से, भागवत आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देती है। ये श्रीमद् भागवत कथा इतने महिमा ये कथा की। इसलिए ब्रह्मा ब्रह्माणी कहां से आते हैं, बोले ब्रह्मलोक को छोड़ कर कथा सुनने के लिए आते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये ब्रह्मा ब्रह्माणी की बात छोड़ दो, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं लेकिन कैलाश नास्ते अमरसा। कहते ये कथा रस ये कैलाश में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले एक बार त्रेताया जोग माहे, एक बार त्रेताया जोग माहे, आप लोग रामायण सुने होंगे, एक समय शंकर जी माता सती को लेकर के कथा सुनने आए थे। कहां से, बोले कैलाश से। कहां पर आए थे, इस मर्त्य जगत जहां पर श्री अगस्त ऋषि रहते हैं, उनके चरण में बैठ करके शंकर जी और सती कथा उन्होंने श्रवण किया। कहते कथा सुनने का फल क्या है, बोले भगवत दर्शन। बोले कथा, कहते ना हरि कहां पर है, बोले ठाकुर जी कहां पर है, बोले ठाकुर जी हरि को था, बोले हरि कथा है। जहां भगवान की कथा हो ना
ठाकुर जी वहीं पर ही रहते हैं, भागवत कथा में बीच में बात नहीं करनी चाहिए, हरे कृष्ण कथा को बीच में बात नहीं करनी चाहिए। आप कथा को बीच में बात मत करो भैया, कथा सुनो, घर में जाकर बात कर लेना। इसलिए कहते श्री शंकर जी और सती जी कथा सुनने के लिए आए, अगस्त ऋषि के चरण में कथा सुनो। जब ये कथा सुनकर के जा रहे थे, इतने में रावण ने छाया सीता को उठा करके ले गया। अभी भगवान राम हासते हासते करके लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, मेरी सीता को कहीं देखे हो? इतने में शंकर जी और सती जब वापस जा रहे थे, इतने में सती ने देखा भगवान राम व्याकुल होकर के हासते हासते बोलकर क्रंदन कर रहे थे। इतने में सती जी के मन में शंका हो गई, बोले प्रभु जी आप जो हमें वो परात पर तत्व परम ब्रह्म श्री राम की कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम? ना ये कोई साधारण जीव है, क्योंकि मेरे को पता है रावण ने जो सीता को उठा करके ले गया वो छाया सीता, वो नकली सीता, असली सीता तो अग्नि की पास में ही है, ये तो नकली सीता है। अगर मेरे को अगर ये बात बता हो, अगर ये परम ब्रह्म परात पर तत्व राम नहीं हो, क्या इनको ये बात बताए नहीं? इतने में शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की सती को, लेकिन जब समझाने के लिए कोशिश की, इतने में सती बोली मैं अनपढ़ थोड़ी हूं, मैं लिखी पढ़ी हूं, हैं मैं लिखी पढ़ी हूं। देखो यहां पर कहते हैं आप दुनिया को अब समझा सकते हो, लेकिन ये पांच जो प है ना आप उनको कभी नहीं समझा सकते हो। जानते हो पांच प कौन है? पहला प है पत्नी। देखो सारा दुनिया आपकी बात सुनता होगा, लेकिन पत्नी बात सुनती है, हैं? मैं एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, उससे बात कर रहा था, हाँ, बात करते करते इतने में उनको पत्नी को जो बात की ना, भले इनको मैं बहुत समझाती है, समझते नहीं, मैं तो समझाती, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, भले मैं उनकी पत्नी कह रही है, कहते इनको तो मैं समझाते हार गई है, हमारी बात नहीं समझते हैं, बात नहीं समझते। इसलिए आप देखना दुनिया को तो आप समझा लोगे, लेकिन पत्नी को समझना बड़ा कठिन है। दूसरा पर है पुत्र। आप देखना सारा दुनिया को पढ़ाई लिखा बात कर सुनेगा, लेकिन पुत्र ही बात नहीं सुनता है। तीसरा पर है पुत्री। चौथा पर है परिवार। आप देखना सारा दुनिया में आपकी आदर होगा, लेकिन परिवार में कोई आदर नहीं होगा, परिवार में कोई आदर नहीं। अब जो पंचमा प है ना पड़ोसी, सारा दुनिया में आपको मित्र था, पड़ोस में लड़ाई होगा, पड़ोस में आपकी लड़ाई होगी। इसलिए शंकर जी पत्नी को समझाए, शंकर जी कौन गुरु है ना, शंकर जी गुरु है, उन्होंने बहुत उन्होंने समझाने के लिए सती की कोशिश की, लेकिन सती बोली मैं सुनूंगी नहीं, मैं अनपढ़ थोड़ी लिखी पढ़ी हूं, मैं स्वयं परीक्षा करूंगी। इसलिए सती जी परीक्षा करने के लिए गए, तो फिर उन्होंने शंकर जी लास्ट उनको त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने सीता रूप धारण करते हुए उन्होंने प्रभु राम को परीक्षा करने के लिए गए, इसलिए लास्ट में सती को प्राण त्याग देना पड़ा। यहां पर शिक्षा देते हैं, देखो जो गुरु जी की जो वाक्य है ना, कहते गुरु वाक्य झभ्य चारणनीय, जो गुरु जी के वाक्यों के ऊपर कोई विचार नहीं करनी चाहिए, आंख बंद करके गुरु जी के उपदेश को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी को अगर कथा सुनना हो ना, कैलाश छोड़कर कथा सुनने के लिए कहाँ आते हैं, ये मृत्य जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। तो गोस्वामी जी कहते भैया कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरसा, कहते आज जो ये श्रीमद भागवत कथा हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, कहते भैया ये वैकुंठ में भी ये रस नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले गाया ओ गरुड़ा जहां बस ए भुसोंडा, गाया ओ गरुड़ा गाया हो गरुड़ा
राम भक्त के भसोना जय राम राम चरण की भक्ति रखना राम चरण की भक्ति रखना Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sab taali bajate ho Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Hari bol hari bol hari bol hari bol hari bol hari bol hari 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 bol 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 आप लोग कौन कौन वृंदावन के हाथ उठा सब कौन कौन वृंदावन के हाथ उठा सबके सब आप देखना वृंदावन सब किसका नाम लेते हैं बोलो किसका नाम लेते हैं राधा रानी का जब मैं बोलूंगा वृंदावन में आप लोग क्या बोलोगे राधे राधे सबके सब देखो भगवान का कीर्तन में जो ताली बजाओ ना एक संत दूसरे संत से पूछते हैं भैया कहीं भी जाओ जागरण हो भजन संध्या हो कथा हो जहां जाओ सब बोलते ताली बजाओ बोले ये ताली बजाने से क्या होता है बोले जो ताली बजाएगा इसका पाप तो उड़ करके चली जाती है बोले चली जाती तो बैठती कहां पर बोले जो ताली नहीं बजाती इसलिए जब भगवान की कीर्तन हो ना जरूर ताली बजाया करो ठीक है और देखो भगवान का कीर्तन में ताली बजाने से ये जो भाग्य रेखा भी बदल जाती है अब देखना घर में जब एक दुख के बाद में दूसरे दुख तीसरे दुख आती रहती है ना हम किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं भैया देखो तो ये दुख क्यों नहीं जा रहा है एक को बाद में एक दुख क्यों आती है क्या ज्योतिष दुख दूर कर सकता है ज्योतिष दुख दूर कर सकता है बोले ये अंगूठा पहन लो ये पहन लो वो कर दो सो कर दो बल्कि पैसा ले जाएगा लेकिन अगर ये भाग्य रेखा को बदलाएगा तो कौन बदलाएगा ठाकुर जी बदला सकते हैं इसलिए कीर्तन में ताली बजाने पर अगर हमारी भाग्य रेखा अगर थोड़ी उल्टा पुल्टा होना हम ताली कब बजाते हैं किसकी स्वागत में ताली बजाते हैं ना कहते हैं ताली बजा करके इनकी स्वागत करो आप बताओ यहाँ पर किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो बोलो किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो ठाकुर जी की इसलिए उनका एक नाम है ईश्वर ईश्वर मतलब क्या है बोले अकर्तुम कर्तुम ज सक्यते सैव ईश्वर मतलब है को नहीं नहीं को जो है कर सकता है ये ठाकुर जी है अगर हाथ में थोड़ी अगर रेखा उल्टा सुल्टा होना जब आप ताली बजाओगे भगवान आपको भाग्य रेखा भी बदला देते हैं ठाकुर जी इसलिए जोर जोर से पीछे पीछे ताली बजाना ठीक है बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल दान गली में दान गली में गली में गली में गली राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हाँ देखो आज हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं जो ये श्रीमद् भागवत कथा में हम सबके सब कथा सुनने के लिए आए। ये चीज को समझो, कहते जो भागवत कथा सुनने के लिए अगर देवताओं की इच्छा हो तो ये देवता लोग भी स्वर्ग लोग छोड़ करके इसी मरते जगत में कथा सुनने आते। कहते अगर ब्रह्मा ब्रह्माणी की कथा सुनने हो ये कहाँ छोड़ करके आते हैं, कहते ये ब्रह्म लोग को छोड़ करके इसी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। अगर शंकर पार्वती को अगर कथा सुनना हो वो कहाँ छोड़ करके आते हैं, कभी ये कैलाश को छोड़ करके इसी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। अगर ये गरुड़ जी को अगर कथा सुनना हो ये बैकुंठ छोड़ करके ये कथा सुनने के लिए आते हैं। लेकिन आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए हो आप बताओ, देवता लोगों को तो देवता लोगों को छोड़ना पड़ा, लेकिन आप लोगों को कथा छोड़ने सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा बताओ? कुछ छोड़ना पड़ा आपको? कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा आपको। ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते 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 आपकी घर को सामने आ गई और हम घर में बैठ बैठ करके ये कथा रूपी अमृत में हमने गोता लगा ली। इसका तात्पर्य है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक बार जयकार दो भागवत कथा की। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जोर से एक बार बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। इसलिए श्री शंकर जी देखो यहाँ पर और एक शिक्षा दिया है, जब ब्रह्म देवता लोग कथा सुनने के लिए आए हैं वो अकेले कथा सुनने के लिए नहीं आए, ये अपना देवियों को लेकर कथा सुनने के लिए आए। ब्रह्मा जी जब कथा सुनने के लिए आए वो भी अकेले कथा सुनने नहीं के लिए, तो उन्होंने ब्रह्माणी को साथ में आए। शंकर जी जब कथा सुनने के लिए आए, देखना शंकर जी अकेले नहीं आए, सती को लेकर के आए थे। अब देखो जब ये कथा सुनने के लिए देवता लोग आते हैं वो अकेले कोई कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपना देवियों को साथ में कथा सुनने के लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं कथा सुनने के लिए अकेले मत आया करो, अगर देवियां आओ तो तुम्हारी देवताओं को लेकर के आओ, और जितने देवता आए ना देवियों को लेकर के आओ। ये अकेले कथा सुनने के लिए मना करते हैं। बोले क्यों? इसमें एक रहस्य है, अच्छे तरह से समझो। आप देखना जब ये 7 दिन आप कथा सुनोगे ना, अब आते समय तो एक रूप में आए लेकिन जाते समय आपका ये रूप नहीं रहेगा। अब यहां से जब जाओगे ना संपूर्ण रूप में कृष्ण भक्ति रस में सरावर होते हुए जाओगे, संपूर्ण भगवत भक्ति में डूब करके यहां से जाओगे। अब स्वयं देख लेना, क्योंकि भागवत में एक चीज समझाने के लिए कोशिश की, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से हमें मिला है,
जो 84 लाख जन्म भटकते भटकते हमें ये मानव शरीर मिला है। ये मानव शरीर है क्या चीज? भगवान राम स्वयं कहते हैं, बोले साधन धा मो मक्ष कर द्वारा, साधन धा मो मक्ष कर द्वारा, साधन धा मो मक्ष कर द्वारा, साधन धा आई न जई पर लोक सवारा, ये भागवत कथा श्रवण से आपको ये ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे। क्योंकि इसी मानव शरीर से ही हम भगवान की भक्ति करते हुए ये संसार से पार हो सकते हैं। और ये मानव शरीर हमें 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये जीवन मिला। बारंबार ठाकुर जी ये शरीर हमें नहीं देते हैं। फिर जब ये ज्ञान मिलेगा ना, अब क्या करोगे? पर ये समय को कभी बर्बाद नहीं करोगे। समय को बर्बाद नहीं करते हुए ये जीवन को प्रभु की भजन में लगा दो, प्रभु की भक्ति में ये जीवन को लगा दोगे। यहां से जब जाओगे ना, आपको हाथ में देखना ये माला झोली आपके हाथ में दिखेगा। क्योंकि जो एक एक श्वास हमारी जो जा रही है, ये मानव शरीर नहीं, कभी ये कोहिनूर हीरे ठाकुर हमें दिए। क्या दिए है? जोर से बोलो, कोहिनूर हीरे हमें ठाकुर दिए। ये मानव शरीर नहीं, ये भगवान राम अयोध्या वासियों को ये बात समझाते हैं। जैसे मानो, जैसे अंबानी, नाम सुने होंगे, अंबानी का नाम सुने कि नहीं? मानो ये अंबानी को डॉक्टर ने कह दिया, देखो उसको परिवार को इसका ये अंतिम श्वास है, ये इसकी अंतिम श्वास है। अगर उसको परिवार बोले, तुम्हें हम 4 कोहिनूर हीरे दे रहे हैं, इसकी 4 श्वास को वापस ले आओ। अब बताओ, उसको 4 श्वास को वापस ला सकते हैं? कोई ला सकते कि नहीं? नहीं ला सकते हैं। इसलिए ये मानव शरीर नहीं, ठाकुर जी हमें ये कोहिनूर हीरे दिए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन ये पाई न जई पर लोक सवारा, लेकिन ये मानव शरीर पा करके परलोक को जो सुधारने के लिए कोशिश नहीं की। भगवान राम कहते हैं, भैया इसको बाद में सर पीटते रह जाओगे, लेकिन तेरे को ये मानव शरीर नहीं मिलेगी, तुमको ये मानव शरीर नहीं मिलेगी। जब ये ज्ञान हमें होगा ना, फिर क्या करेंगे? हम समय को नष्ट नहीं करते हुए जीवन को प्रभु की भजन में लगाएंगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा, कोई बोल नहीं रहे हो, जोर से बोलो मेरे साथ में। देखो हम कोशिश करते हैं, जैसे एक सप्ताह तक आपको इतने प्रभु का नाम लिवाए आपको, जैसे आपकी बेड़ा पार हो जाए, हैं? एक बार सबके सब बोलो मेरे साथ में, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। बार बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरि हरि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कथा सुनने के लिए अगर केवल माताएं आए, अगर भाई लोग नहीं आए, अगर देवताल पति लोग नहीं आए, 7 दिन के बाद में जब इनकी संपूर्ण जीवन बदले जाएगा, प्रभु का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो पति क्या बोलेगा? बोले कौन सा संत की चक्कर में तू पड़ गई, जब देखो गीता भागवत लेकर माला लेकर बैठ जाती हो,
अगर भाई लोग आए, अगर पत्नियां नहीं आई, फिर उनको भी ये मानव शरीर का महत्व पता नहीं चलेगा। अगर भाई लोग अगर प्रभु का भजन करे, अगर पत्नियां क्या बोलेगी, बोले कब कोई काम धाम नहीं, जब देखो माला लग रही बढ़ जाती, ये दोनों दोनों को ताना मारेगा। लेकिन अगर दोनों अगर कथा सुनने के लिए आओगे, ये दोनों को ऊपर ही रंग चढ़ेगी। रंग चढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों बोलेंगे भैया वृंदावन दोनों चलो, वृंदावन दर्शन करके आएंगे। अगर कहीं सत्संग हो, भागवत कथा हो, चलो हम दोनों भागवत कथा सुनने के लिए चलेंगे। इसलिए गाड़ी है ना बढ़िया चलेगी। इसलिए जब शंकर जी आए वो अकेले नहीं आए, पार्वती को लेकर के आते हैं। इसलिए जब देवता लोग पत्नी को लेकर के आए, ब्रह्मा जी ब्रह्मानी को लेकर के आती है। इसलिए कहते भैया कथा दोनों ही, दोनों मिलकर कथा सुनने के लिए जाओ, दोनों को ये मानव शरीर का महत्व पता चले। दोनों अगर प्रभु का भजन करोगे तो बस गाड़ी बढ़िया चलेगी, फिर बच्चों को भी भक्ति में लगाओगे, बच्चे भी भजन करेंगे। आज जिस घर में बच्चे भजन करे, पूरा परिवार भजन करे, भागवत कहता है वो घर घर नहीं, वही घर ही वृंदावन है, वही घर ही गोलोक वृंदावन, वही वैकुंठ है जिस घर में भगवान की भजन हो। लेकिन जिस घर में भजन अगर सत्संग में नहीं जाओगे तो क्या होगा, बीड़ी फूकोगे, शराब पियोगे, गंजा फूकोगे, हैं, फिर तो दारू पियोगे, जुआ खेलोगे, वो घर नहीं पर स्मशान भूमि बन जाएगी। इसलिए नियम है क्या करो, परिवार को साथ में भगवान की कथा सुना, सबको ऊपर में भगवान की भक्ति के रंग चढ़े, पूरा परिवार भगवान की भजन करो, फिर तो तुम्हारी परिवार क्या हो जाएगा, भगवान की धाम सिर्फ वृंदावन बन जाएगी। फिर बच्चों को देखना कभी भी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, वो घर का बच्चे कभी गलत रास्ता पर जा ही नहीं सकते। क्यों, कहते संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संत होई बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए क्या करो, भागवत कथा श्रवण करने के लिए खुद भी आओ और बच्चों को भी साथ में लेकर के आओ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का बात है, हैं? इसलिए शंकर जी स्वयं कहते, देखो क्या कहते हैं, बोले सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति शंकर जी कहते हैं पार्वती, ये जो जगत में जो भागवत कथा है, सत्संग है जगत में, बड़ा दुर्लभ है पार्वती। इतने में पार्वती कहती है प्रभु ये सत्संग दुर्लभ कहाँ है। देखो हमारे श्री लाल जी और श्री देवकी माता जी, इन्होंने भागवत कथा रखी, सबको निमंत्रण दिया, बोले आओ भागवत कथा होगी। उन्होंने बैनर भी लगाया, घर घर में भी जा करके बोले होंगे, हैं, कथा हो रही है, आओ कथा सुनने के लिए आओ। अब पार्वती कहती है प्रभु आप कहते हो सत्संगति दुर्लभ, ये कहाँ दुर्लभ, तो सुलभ हो गया, ये दुर्लभ कहाँ है। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति Bye.
शंकर जी कहते हैं पार्वती आप तो निमंत्रण दोगे आने के लिए लेकिन कोई नहीं आया। आप तो यही सारा अति कठिनाई लेकिन अगर पता चले इस गांव में शाहरुख खान आ रहा है, सलमान खान आ रहे, हेमा मालिनी आ रही, बताओ यहाँ प्यार रखने की जगह मिलेगी यहाँ? अब तो टिकट टिकट अगर टिकट यहाँ तो फ्री है, कथा फ्री है, बैठने के लिए भी चेयर की व्यवस्था की, बढ़िया पैंडल लगाया, सब कुछ किया है। अगर पता चल जाए ये हीरो हीरोइन आएगी, अमिताभ बच्चन ही आ रहा है, आप बताओ कितना भीड़ होगी यहाँ पर। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती आ बता यही सारा अति कठिनाई। कौन शंकर जी कह रही है बात हो पार्वती, लेकिन राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होना, बोले पार्वती ये भागवत कथा में ये सत्संग में कोई नहीं आ सकते हैं। तब माता पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु ये बताओ फिर ये भागवत कथा में कौन कौन आते हैं, ये भागवत कथा सुनने के लिए कौन कौन आते हैं? तब शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर वही पाव दही यह संगत सोई। जिसको पर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो पार्वती वही व्यक्ति ही कथा में आएगी। उदाहरण दिए जैसे आपके घर में कोई शादी हो रही है, लेकिन वो शादी में कौन कौन आएगा बोलो? आप जिसको निमंत्रण दोगे। अगर कोई अमेरिका में हो ना, कोई लंदन, कोई फ्रांस में हो, अगर आपका घर में शादी हो रही है, अगर निमंत्रण दोगे देखना वो अमेरिका, लंदन, फ्रांस से आएगा। लेकिन तुम्हारी घर को पास में 9 इंच दीवाल को पास में किसका घर है, लेकिन आप उसको नौता नहीं दिया, बताओ आपके शादी में आएगा वो व्यक्ति? बताओ आएगा कि नहीं आपके घर में आएगा वो? क्यों? अपने नौता नहीं दी है। ये शंकर जी कहते बोले पार्वती ये भागवत कथा में कौन आएगी, कौन आएगा कथा सुनने के लिए? बोले ठाकुर जिसको नौता दी। देखो ये बॉम्बे से आए ना, पांडे जी बॉम्बे से आए और बहुत लोग दूर दूर से भी आए, लेकिन होता होगा आस पास में इनको गांव में कोई लोग होगा पास में उस याद नहीं आए होंगे, लेकिन देखो इन्होंने बॉम्बे से भी आए कथा सुनने के लिए है। बॉम्बे से में क्यों, कारण क्या है? बोले अति हरि कृपा जा पर होई, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो पार्वती पाप दही या संगत सोई, वही व्यक्ति कथा में आ सकते हैं, हैं वही व्यक्ति आ सकते हैं। इसलिए अति हरि कृपा जा पर होई, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा है वही व्यक्ति ही ये कथा सुनने के लिए आएंगे हैं। इसलिए समझो उदाहरण देते हैं, जैसे कृष्ण जब वृंदावन में उन्होंने बंसी बैठे को नीचे उन्होंने बंसी ध्वनि की, ब्रज में कितने गोप गोपियां थी, ब्रज में कितने लोग थे, लेकिन जब ठाकुर ने बंसुरी बजाई बताओ वहां पर कौन आई? केवल गोपियां आई और कोई नहीं आए, केवल गोपियां आई वहां पर, सब नहीं आए। क्यों? कृष्णा उन्हीं को ही बुला रहे थे, लेकिन जब गोपियां आई ना ठाकुर जी कहते हैं स्वागत में महाभागा, भगवान को स्वागत करते हैं, तुम लोग जगत में बड़े भाग्यवान हो जो ये रास उत्सव में तुम लोग आए। इसलिए समझो जो व्यक्ति आप लोग कथा में आए ना ठाकुर जी आपको स्वागत करते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ताली बजाओ जोर से जे ठाकुर जी आपको स्वागत किए, क्योंकि आप लोगों ने ये कथा रस को पान करने के लिए आप लोग आए हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। अरे आप लोग जोर से जयकार दो, देखो जैसे हम बीच बीच में जयकार देते हैं ना, ठाकुर का जयकार हो भागवत की, उनका तो जय जयकार है ही है, लेकिन उनको जो जितने जोर से जयकार देगा उसको उतना ही पाप खत्म होगी, उतना ही व्यक्ति की जयकार होता है। जितने ठाकुर का जयकार दो ना उतना पाप तुम्हारी जाएगी, उतना पुण्य तुम्हारी उदय होगी है। इसलिए भगवान को थोड़ी जयकार, उनका तो जय जय है, वो तो दुनिया का मालिक है। इसे जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। अभी हम लोग ये श्रीमद भागवत कथा हम लोग 7 दिन तक श्रवण करेंगे। अभी प्रश्न होता है
भैया ये कथा सुनने से हमें क्या होगा? अगर ये समय को जैसे 3-3 घंटा यहाँ कथा सुनने के बाद 4-4 घंटा हो जाएगा, आप बोलोगे अगर हम कहीं अगर किसी बिजनेस में अगर समय देते, घर काम में अगर समय देते तो हमें तो कुछ मिलता, लेकिन यहाँ 3-3-4 घंटा हम क्यों समय देंगे? हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? हम लोग कलयुग का जीव है ना, जब तक तो माल नहीं मिलेगा ना फायदा नहीं होगा, हम काम को करेंगे नहीं। जो सुनेंगे उसमें ज्यादा लाभ है ना, फिर वो काम को हम करने के लिए तैयारी होते हैं। इसलिए भागवत में राधा रानी ब्रज गोपी स्वयं कहती हैं, ये भागवत कथा में तुम्हें जितने फायदा मंद मिलेगी ना, और किसी चीज में तुम्हारी इतना प्रॉफिट नहीं हो सकती है जितने ये कथा में तुम्हें लाभ मिलेगा। इसलिए मीरा जी क्या कहती हैं, बोले दीन दीन बड़ा तसवायो पायो जी मैंने राम रतना धन पायो। ये भक्ति में कभी घटेगी नहीं, भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी। हम अभी सुनेंगे भागवत कथा में कितना लाभ है, एक छोटा भजन गिन लेते हैं, चतर का एक भजन सुन लेते हैं। देखो इसलिए आज हम भागवत की महिमा सुन रहे हैं, फिर आप लोग भी कथा सुनने के लिए आओगे ना, इसलिए इसकी लाभ सुना रहे हैं। संसार का दुख रूपी नाच उसको नाचना नहीं पड़ेगा, जिसकी इच्छा हो आप लोग नाच सकते हो। Thank you.
Okay.
इसलिए भागवत में ये ब्रज गोपियां कहती हैं, ये जो श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण करेगा उसको 7 लाभ होगा। कितना लाभ होगा, जोर से बोलो। आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, जो बोल देगा ना मैं इसको इनाम दूंगा। ये 7 लाभ क्या है कथा सुनने का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राधा रानी खुद कहती हैं। कृष्ण कथा की क्या लाभ है, कहती ये जो भगवत कथा है, कहती जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, वो लाभ है। लेकिन यहाँ पर राधा रानी कहती हैं जगत में सबसे बड़ा दान क्या है, कहती ये भागवत कथा को जो दान देते हैं, ये कृष्ण कथा को जो दान देते हैं जगत में, ये सबसे बड़ा दानी जो कृष्ण कथा भागवत को दान करते हैं। बोले दान करने से क्या लाभ है, कहती जो पहला लाभ है, कहते तब कथा अमृतम, ये भागवत कथा को जो श्रवण करेगा, ये कथा नहीं, इसको भागवत को बताया ये अमर कथा है। आप लोग सुने होंगे ये भागवत कथा, सर्वप्रथम शंकर जी माता पार्वती को उन्होंने अमरनाथ में कथा सुनाई, इसलिए ये कथा का एक नाम अमर कथा है। आप लोग सब सुने होंगे, बोले एक समय श्री नारद जी पहुंचे कैलाश में, जब कैलाश में पहुंचे उसी समय में शंकर जी कहीं वो सत्संग में कहीं गए हुए, इतने में नारद जी गए। आप लोगों को पता होगा हम कभी कभी नारद जी का बड़ा बदनाम जगत में, हम कहते हैं ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या झगड़ा लगा रहे हो, लेकिन इस नारद कभी झगड़ा नहीं लगाते हैं। देखना रामायण का जो मूल ये नारद है, ये भागवत का भी मूल नारद जी है, इनके बगैर तो ठाकुर को कोई लीला ही नहीं हुई इनकी बगैर। इतने में नारद जी गए और माता पार्वती थी, बोले माता जी सब ठीक ठाक है ना, बोले बेटा हम बड़े कुशल मंगल है। बोले कैसे कुशल मंगल हो, बोले देखो वही स्त्री सुहागिनी है जिसको पति प्रेम करते है, वही सुहागिनी है, हैं? इसलिए शंकर जी मेरे को कहीं भी सत्संग सुन करके आए, सबसे पहले शंकर जी मुझे सुनाते। आप देखो जितने पुराण आप देखोगे ये शंकर पार्वती का संवाद है, शंकर जी सुना रही है और माता पार्वती सुन रही है। सारे पुराण को देखोगे शंकर पार्वती संवाद है। इतने में नारद जी को तो ये भागवत कथा प्रकट करना था, इतने में नारद जी कहते माता जी शंकर जो आपको प्रेम करते हैं ना, वो ऊपर ऊपर से प्रेम करते, अंदर से प्रेम तुम्हें नहीं करते हैं। इतने में माता पार्वती बोले नारद जी और आगे मत बढ़ा करो, मैंने सुना है आप जहां जाते हो झगड़ा लगा देते हो, हम पति पत्नी तो बड़े प्रेम पूर्वक रहते। बोले पार्वती माता जी हम सही सही बता रहे हैं, आपको पता है ये शंकर जी और भी अंदर अंदर में किसको प्रेम करते हैं, इनको और भी कोई प्रेमिका है आपको पता है। देखो स्त्रियां तो हर चीज को हजम कर लेती हैं, सहन कर लेती हैं, लेकिन माताओं को अगर ये बात पता चले मेरे पति और किसी को अंदर अंदर में प्रेम करते हैं ना, माताएं ये चीज कभी भी सहन नहीं कर सकती। बोले क्या बोलते हो, बोले सच कहता हूं। बोले प्रमाण क्या, बोले देखो जब आप शंकर सत्संग से आए केवल एक प्रश्न कर लेना सारे रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। बोले क्या प्रश्न, बोले शंकर जी के गले में एक मुंडक की माला देखी कि नहीं, बोले हाँ देखी। बोले शंकर जी कभी बताए ये मुंडक माला किसकी, बोले नहीं। बोले आज पूछ लेना सारे रहस्य पता चल जाएगा, लेकिन शंकर जी ऐसे नहीं बोलने वाले। आप जाओ मान भवन में लेट जाओ, शंकर जी जब पूछोगे ना 3 बार कसम खिला करके पूछना, नहीं तो नहीं बोलेंगे। बस नारद बिना उठाए और वहां से बोले गोविंद जय जय गोपाल जय, बस नारद जी वहां से चले गए। इतने में शंकर जी आ ही रहे थे, देखा नारद जी बड़े तेजी से जा रहे हैं,
शंकर जी बोले नारद बाबा थोड़ा रुक जा बोले मेरे पास में समय नहीं। बोले भैया ऐसे हो ना, पूरी लड़ाई पढ़ाई तो नहीं कर लगा कर गए। सचमुच से जब घर में आए देखा माता जी सम्मान भवन में लेटे हुई। शंकर जी जब ऊपर हाथ रखना, शंकर जी का हाथ को तो फेंक दी। बोले मैं तो पहले सोच रही थी भोले बाबा, पता चला आप तो बड़े कपटी बाबा हो। बोले भैया मतलब क्या? बोले ये बताओ आपकी गले में जो मुंडो की माला किसको धारण करके रखे, क्यों कभी भी इस माला को उतारते नहीं, इसका क्या रहस्य है बताओ, ये मुंडो माला किसकी है? बोले ये तुम्हारी की मुंडो माला है, तुम्हारी ये मुंडो माला? बोले मेरी मुंडो माला? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले देखो पार्वती, पहले जीवन में तुमने बहुत बार तुमने शरीर त्याग दियो, जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तब तक मैंने तेरे मुंडे की माला रूप में गले में धारण कर लेता हूँ, क्योंकि जो कथा सुनने की तुम सबसे बड़ी प्यारी हो, एक मन से तू कथा सुनती हो, इसलिए मैं मुंडे माला को धारण करती हूँ। पार्वती बोली प्रभु मैं तो सोच रही थी आप तो कोई छोटे मोटे कपटी हो गए, अभी पता चला आप तो बहुत बड़ी कपटी। बोले मतलब? बोले आप ये बताओ ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान कर रखे हो? आप अमर तो प्राप्त किया और मैं मरती जा रही हूं, मैं मरती जा रही हूं, बताओ आपने ऐसे कौन सा अमर बोटी को पान करके रखे? बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की तब से मैं अमरत्व की प्राप्त की। बोले प्रभु ये कथा मेरे को भी सुना दो, मैं मरती जा रही हूं आप मर ही नहीं रहे हो। बोले पार्वती ये भागवत कथा सभी नहीं सुन सकते, जिसके अंदर में श्रद्धा और भक्ति हो वही सुन सकते हैं। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। बोले करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो पार्वती तभी ये कथा कोई सुन सकते हैं। बोले मैं तो सुन सकती ना? बोले हाँ तू सुन सकती। बोले सुनाओ। बोले यहाँ नहीं, चलो हम तुम्हें अमरनाथ ले चलते हैं, वहीं पर बैठा करके तुम्हें कथा सुनाएंगे। तब माता पार्वती को लेकर के उन्होंने अमरनाथ में गए। बोले देखो पार्वती जब मैं कथा सुनाऊंगा मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले कथा सुन रही हो। बोले ठीक है प्रभु जी। इतने में शंकर जी ये भागवत बोलना प्रारंभ की। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। जब कथा सुना रहे थे माता पार्वती हुंकार भर रही थी, बड़ी प्यारी कथा आगे क्या हुआ, बड़ी प्यारी आगे सुनाओ। शंकर जी तो भोले बाबा कथा सुनाते 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 जा रहे थे, सुनाते सुनाते जब उन्होंने ज्ञान की बात सुनाना शुरू की, कैसे ये भगवत प्राप्ति तुम्हें होगी, अगर कोई मीठी मीठी प्यारी प्यारी लीला कथा हो देखना उसमें तो हमारी मन लग जाती है, लेकिन अगर कोई कठिन सिद्धांत की बात हो ना फिर तो नींद आ जाती है, नींद आ जाती। इतने में तो माता पार्वती सो गई, लेकिन भगवत इच्छा से उसी वृक्षों के ऊपर में के तोता भी बैठ कर कथा सुन रहा था। इतने में तोता ने देखा माता पार्वती तो सो गई, मैया को तो हुंकार भरना बंद हो गया, फिर शंकर जी कथा को बंद कर देंगे, कथा मेरी भी अधूरी रह जाएगी। इतने में वो तोता भी हुंकार भरने लग गया। बोले बड़ी प्यारी कथा आगे क्या हुआ, आगे कथा सुनाओ। शंकर तो भोले बाबा कथा सुनाते सुनाते ही जा रहे थे, लेकिन जब कथा की विश्राम हो गई फिर शंकर जी जयकार दिए। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। देखो हम भी बीच बीच में जयकार देते हैं, क्यों देते हैं, हमें भी नींद नहीं आ जाए। आप देखना इधर उधर का कोई चुगली हो ना नींद आएगी, किसका चुगली हो तो नींद खोल जाएगी, लेकिन कहीं अगर भगवान की कथा हो ना वह नींद आ जाती है। क्योंकि कहते जम महाराज की तीन बेटी है, ध्यान देकर सुनो, जम महाराज की तीन बेटी है, एक झुलझुलानी है, झिमझिमानी और सुलसुलानी, ये तीन बेटी है। एक समय श्री जम महाराज बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे, इनका तीन बेटियों ने कहा पिताजी आप दुखी क्यों? बोले क्या करूं मेरा तो धीरे धीरे मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है, काम ठप हो रहा है। बोले क्यों? बोले ये मरते जगत में ये संतों को आकर के सबको ये कथा सुनाना शुरू करते हैं, और कथा सुनते सुनते जिसको ज्ञान हो भजन करते हैं, और भजन करते सीधा वैकुंठ, धीरे धीरे मेरा तो काम ही बंद हो रहा है।
बोले बताओ ना आपके हम तीन बेटी, बताओ क्या करे। बोले कहीं अगर कथा हो, पहला बेटी का नाम है झिमझिमानी, पहला नंबर में तुम जाकर सर पर बैठ जाए, बैठ जाना, बैठते ही अपनी आप जम्भा आने लग जाए, अपनी आप शरीर में आलस्यता आने लग जाए। दूसरी बेटी का नाम है झुलझुलानी, दूसरे नंबर में तुम बैठ जाओगे ना वो झुमना झुमना शुरू कर देगा है। और तीसरा बेटी का नाम सुलसुलानी, जो तीसरे नंबर में बैठे हाथ पैर फेंक रहे सो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सावधान रहना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए देखो यहाँ पर माता पार्वती भी सो गए हैं। इतने में वो तोता भी हुंकार भर रहे थे, इतने में शंकर जी जब दो बार जयकार दिया माता पार्वती का, नींद खुल गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ? बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं मैं बीच में सो गई थी। बोले नहीं तू तो बीच में हुंकार भर रही थी। बोले नहीं मैंने हुंकार नहीं भरी। शंकर जी ने देखा ये जो भागवत कथा है ये साधारण नहीं, इसका कथा का नाम अमर कथा। अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो वो अमर बन जाएगा। आप देखना भगवत गीता में जब कृष्ण अर्जुन को ये गीता की ज्ञान सुनाई, लास्ट में क्या कहते हैं? बोले अर्जुन सावधान, मैंने जो तुमको ये गीता का ज्ञान दे दी है न अभक्ताय कदाचन, ये कथा को किसी अभक्त को नहीं देना, मना करते हैं भगवान। ये कथा रूप में मैं स्वयं हूं, इसलिए जिसके हृदय में श्रद्धा और भक्ति होना उनको ही ये ज्ञान की बात उन्हें बताना। इसलिए शंकर जी ने देखा ये कथा तो अमर कथा, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति कथा सुनेगा तो अमर बन जाएगा, फिर अमर बन जाएगा दुनिया के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा कथा किसने सुनी, देखा वो तोता सुन रहा था, शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको मारने के लिए पीछा की, और वो तोता उड़ते जाए करते करते पहुंचा बद्रीनाथ में। वहां पर व्यास देव भी अपना पत्नी बिटका को यही ज्ञान की बात बता रहे थे, और बिटका तो ऐसे मुंह खोल करके कथा सुन रही थी। इतने में वो तोता जा करके सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में प्रवेश कर गया। इतने में व्यास देव जी ने कहा भोले बाबा कहां से भागते भागते आ रहे हो, सारा शरीर से पसीना पसीना बह रहा है। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले फिर आप पीछा क्यों कर रहे हो? बोले मारने के लिए। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, सचमुच से आप भोले हो, आप स्वयं कहते हो ये कथा जो सुनेगा वो अमरत्व की प्राप्त करेगी। आप बताओ ये तोता ने कथा सुनी कि नहीं? बोले सुन ली। बोले जब तोता ने कथा सुन ली वो अमर बन गया, फिर आप उसको पीछा कैसे कर रहे हो मारने के लिए? शंकर जी सोचा अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं था। फिर शंकर जी ध्यान लगाए ये कथा सुनी तो किसने कथा सुनी, ये क्यों कथा सुनी? क्योंकि अगर ये साधारण कोई तोता होता तो ये कभी भी ये कथा को सुन नहीं सकता है। इतने में शंकर जी ध्यान लगाए ये तोता कौन है। जब उन्हें ध्यान लगाई उनने सब कुछ लीलाओं को दर्शन की है। बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नान रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। बोले ये सुख कौन है? बोले जो राधा रानी की निकुंज मंदिर में रहने वाली, कभी कभी राधा रानी अपना हाथों से उसको अनार की दाना खिलाया करती थी और उसको कृष्ण नाम को पढ़ाया करती थी ये तोते को। इसलिए आप भागवत पढ़ो सब जगह में लिखा हुआ श्री सुख उबाच, श्री सुख उबाच, श्री सुख मतलब ये श्री राधा रानी की ये प्रिय सुख तोता ये सुखदेव गोस्वामी, ये साधारण कोई तोता ये नहीं। कभी कभी राधा रानी इनको कृष्ण स्वरूप मान करके कभी कभी उनको चुंबन भी करती थी, उनको कभी कभी चुंबन करती थी। एक दिन क्या हुआ, ये तोता राधा रानी के हाथ से उड़ते हुए धीरे धीरे पहुंच गया नंदगांव में, और नंदगांव में पहुंच करके बड़े सुंदर एक राधा रानी की गुणगान कर रही थी। बोले राधे का नाम
अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो गोकुल भी बोले राधे मधुबन में बोले राधे गोकुल में गोकुल में बोले राधे मधुबन में बोले राधे वृंदावन के आवाज आई राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे गैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे गैया भी गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे गैया भी अनमोल ब्रह्मा जी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा जी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा जी शंकर के दंबर से आवाज़ राधे शंकर के दंबर से आवाज़ राधे अनमोल बोलो राधे 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 अभी वो तोता बड़े सुंदर राधा रानी की भजन गा रहे थे। इतने में कृष्ण सुन करके चौंक उठा, बोले भैया इतने सुंदर राधा रानी की गला की आवाज की जैसे इतने सुंदर कौन राधा रानी के भजन गा रही। देखा एक तोता बैठ करके भजन गा रहा था, कृष्ण उसको बुलाया और आ करके कृष्ण को हाथ में बैठ गया। इतने में कृष्ण बोले, बोलो तो राधे राधे। वो बड़ी मीठी मीठी स्वर से राधा रानी की गले की जैसे आवाज से बोले राधे राधे। बोले भैया बड़ा सुंदर राधा रानी की कीर्तन करता है, बड़ी सुंदर श्लोक भी बोलता है। कृष्ण ने एक सोने की पिंजरा बना करके वो तोते को उसमें धर दिया। इतने में राधा रानी एक सखी को बोले, देखो तो मेरी तोता कहीं उड़ते हुए चला गया। देखो तो वो सखी आकर के देखा कृष्ण अपना हाथ में उसको बैठा करके आनार की दाना खिला रहे हैं और राधा रानी का नाम को पाठ करवा रहे हैं। वो सखी बोले, श्याम सुंदर ये हमारी किशोरी जी की ये तोता दे दो। बोले अगर तुम्हारी किशोर जी की पालता तोता हो फिर तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तेरे हाथ में चले जाए फिर मैं समझूंगा भैया तोता तेरा, तू ले जाना। बोले कृष्ण तुम्हारा नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है, सबको जो आकर्षण करे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। बोले ये बताओ
अगर कोई तोता तुम्हारी हाथ में बैठे, तुम उनको राधा रानी का नाम लिवाओ और उसको अपना प्यार दो, अनार की दाना खिलाओ, तेरे को कभी वो छोड़ सकता है? कृष्ण बोले, भैया फिर तो तोता मेरी, तुम जाओ। अभी उन्होंने मैया जसोदा को पास में गई, बोले मैया हमारी श्री किशोर जी की तोता उड़ते हुए आ गया और कृष्ण पकड़ लिया और देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हमारी तोता दिला दो। मैया बोली, कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गोचरण करने के लिए जाएगा पीछे से ये तोता मैं भेज दूंगी। जब फिर कृष्ण गोचरण करने के लिए गए, मैया वो तोता को फिर राधा रानी को पास में भेज देती हैं। जैसे भगवान राम जब ये मरते जगत छोड़ करके गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को लिए नहीं, उसको साथ में रखे, ये मरते जगत में छोड़ कर गए। बता सकते हो किसको छोड़ कर गए? भगवान राम तो पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन एक को नहीं लेकर गए। किसको लेकर नहीं गए थे? बोलो जोर से। हाँ, हनुमान जी। ये बच्चा बढ़िया उतर गया, इनकल ताली बजा बच्चे के लिए। इसलिए श्री हनुमान जी को उन्होंने छोड़ कर गए। क्यों? बोले अगर तू चले जाओगे ना, फिर राम कथा को जगत में कौन प्रचार करेगा? उसी तरह जब भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ कर गए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को लेकर गए, लेकिन ये तोता को छोड़ कर गए। बोले अगर तू चले जाओगे, फिर जगत में ये कृष्ण भक्ति कौन प्रचार करेगा? शंकर जी ध्यान से सब चीज को देखा और यही तोता ही उन्होंने अमरनाथ में अमर कथा सुने और बिट्टका की व्यास देव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करते हुए वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में आएंगे और जगत में भागवत कथा प्रचार करेंगे। शंकर जी अपना ध्यान उन्होंने सब कुछ देख लिया। शंकर जी सोचे कथा सुनाना सार्थकता हो गया, क्योंकि यही तोता ही सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे। फिर शंकर जी प्रणाम करते हुए वहीं से चले गए और वही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आए। बस श्री सुखदेव महाराज की जय। हाँ, देखो अच्छे तरह से समझो, बढ़िया से ये कथा सुनने का कितना लाभ। देखो ये शंकर जी स्वयं कहती हैं, माता पार्वती स्वयं कहती हैं, शंकर जी कहते ये कथा सुन करके जो देव देव महादेव, जो जोगी जोगी महाजोगी, जो सत्यम शिवम सुंदरम, कहते ये कथा सुन करके ही मैं अमरत्व प्राप्त की। जो माँ, जो जगदम्बा जग जननी, जब तक ये कथा नहीं सुनी तब तक शरीर छोड़ी, लेकिन जब से उन्होंने ये भागवत कथा को श्रवण की तब से माता भी शरीर नहीं छोड़ी। तब समझो ये भागवत कथा के कितने महत्व है, बड़े महत्व है। अगर कथा हम भी सुनेंगे ना, हम भी जगत में हम भी अमरत्व को प्राप्त करेंगे। जिन जिनियों ने ये कथा को सुने, जगत में सबके सब अमर बनकर चले गए, सबके सब जगत में अमर बनकर चले गए। इसलिए कथा का पहला लाभ है अमरत्व की प्राप्ति। बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। अरे जोर से बोलो बच्चों, क्या बात कर रहे हो बीच में, इधर देखो जोर से बोलो, प्लस श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। हाँ, इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ है अमरत्व। बोले दूसरा लाभ क्या है? बोले तब कथा अमृतम, बोले तप्त जीवनम। ध्यान देकर सुनो, कल मैं पूछूंगा किसका याद रहेगा, ठीक है। दूसरा लाभ है, ये संसार में हम सब दुखी है, संसार में कोई भी सुखी नहीं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, दुखी दुखी जगत में ये संसार क्या है? ये कृष्ण स्वयं कहते ये दुख का घर है संसार। लेकिन देखो ये कथा की महत्व समझो, आप देखना ये कथा में जब तक आप बैठे रहोगे, आप बताओ यद्यपि हम संसार में सब दुखी है, लेकिन इस संसार का कोई दुख तुम्हें याद है? बोलो, कोई याद है कथा? कोई याद नहीं। कथा में जब तक रहोगे ना, तब तक संसार का सारे दुख कष्ट को हम भूल कर बैठे। लेकिन जब कथा से आप उठो, ये गेट को केवल बाहर जाओ ना, ये संसार का सारे दुख बोझ बनकर, पहाड़ बनकर सर पर बढ़ जाती है। लेकिन जब तक कथा सुनते रहो, तब तक सारे दुखों से नहीं हमें मुक्ति है। ये जीवंत अवस्था में ये चीज प्राप्त हम उपलब्धि है।
है, इसलिए कि दूसरा लाभ है संसार का जितने दुख है समस्त दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी। और तीसरा लाभ क्या है बोले कल्मषा अपहम, जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा जीवन का जितने तुम्हारी पाप है समस्त पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, सारे कल्मष तुम्हारी नष्ट हो जाएगी हैं। और जो चौथा जो लाभ है बोले श्रवण मंगलम, ये कथा सुनने से जीवन में तुम्हारी मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल जीवन में नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ना मंगल भवन, बोलो जोर से मंगल भवन अमंगल। ये बच्चे यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं, ये बच्चों को उठा दो जल्दी से, कथा सुनना तो कथा सुनो, इधर इधर घूम पर बैठो, इस तरफ में मेरे तरफ में, कथा में बात नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। कथा सुनने के लिए आए ना, मेरे तरफ में देखो, बीच में नहीं। कल सबको पूछूंगा मैंने क्या कथा सुना है, जो सुना देगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है, ध्यान देकर सुनो। इसलिए देखो जो मुसलमान बच्चे होते हैं ना, ध्यान देकर सुनो। मैंने गया था जयपुर में कथा करने के लिए, आप लोग ध्यान से सुनो, जयपुर में मैं कथा करने गया था, मैं जब वापस आ रहा था देखा 10 साल के बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने पूछा उसको तेरा नाम क्या है, तो उसने जो नाम बताया पता चला ये मुसलमान है। मैंने कहा बेटा तेरे को कुरान आता है, वो छाती फुला कर कहता है हाँ मेरे को कुरान आती है, बोले बोलो, झटाझट बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से ये कुरान पढ़ाई जाती है, वो कहता है मुसलमान धर्म में कंपलसरी जब 2 साल उम्र हो जाए बच्चे को कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाती, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम तो दिल्ली तरफ में प्रचार करते हैं, जब शुक्रवार आता है ना ये सारे बच्चों को टोपी पहना कर ले जाते हैं, रोड बंद कर देते हैं, मेन रोड में बैठे कर कलमा उच्चारण करते हैं। आप बताओ हमारे हिंदू में ऐसे कौन, एक बाबा यहाँ पर बता रहे थे पहले ये स्थान की बड़ी महत्व थी, सोचते थे दूसरे काशी है, इतने विद्वान थे यहाँ के लोग, कहते अभी यहाँ इतने बदनामी है, बच्चे गुटखा खाना सिगरेट फूंकना गंजा पीना शराब पीकर जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बोल रहे थे। इसमें दोष किसका, पिता माता की ये दोष है, खुद तो भजन नहीं करते अब बच्चों को भी भजन में कोई शिक्षा नहीं देते, बच्चों को संस्कार कहाँ मिलेगा, बच्चों को पूछो कौन हीरो का नाम क्या सारे याद है, कौन हीरोइन का कौन प्लेयर का नाम बोलो याद है, बोलो गीता का कोई श्लोक बोलो, बोलो कौन हिंदू है गीता का कोई श्लोक बोलेगा, नहीं कोई गीता का कोई श्लोक बोल सकते हो आप किसी मुसलमान बच्चे को, 2 साल बच्चे का 2 साल, अभी हम जम्मू कथा करके आए, जहां पर हम कथा कर रहे थे ना उसको पास में था मस्जिद, सवेरे 5 बजे ऐसे छोटे छोटे बच्चे सब मस्जिद में आते थे और वो अपना कलमा उच्चारण अपना कुरान पढ़ते थे, वो माइक लगा हुआ था, माइक लगा हुआ था, आवाज आ रही थी सब बच्चों का, कारण क्या है कहा पर हिंदू धर्म में क्यों घटते हुए जा रहा है बताओ, खुद पिता माता की भजन से कोई मतलब नहीं, गीता भागवत से कोई मतलब नहीं इनकी, और बच्चों के ऊपर में भी कोई संस्कार नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते, राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, लव कुश जैसे बेटे नाती पोती हो, भैया कैसे होगा, जब रामायण पढ़ोगे तो होगे, जब रामायण पढ़ोगे गीता पढ़ोगे तो तब होगा। इसलिए उनका देश का नाम था अयोध्या, अयोध्या मतलब क्या, जहां पर कभी युद्ध नहीं होता है, अवध मतलब क्या, जहां पर कहीं बध नहीं होते हैं, क्यों, अगर सबके सब भगवान की भक्ति भजन करेंगे वही तो अयोध्या बनेगा, और अयोध्या कहाँ बनेगा बताओ, अयोध्या बनेगा कहाँ, देखो ध्यान देकर सुनो, अरे बात मत करो, एक समय हमारे बड़े गुरुजी को पास में कोई आए, ध्यान देकर सुना आप लोग अच्छे तरह से, हमारे बड़े गुरुजी को पास में एक व्यक्ति आए, बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे क्या नहीं करते हैं, गुरुजी बोले रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बच्चों को भी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले जब खुद रामायण नहीं पढ़ोगे बच्चों को रामायण नहीं पढ़ोगे कहां पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, ये रामायण कहता है यानी प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण छूते थे, बताओ यहाँ पर कौन बच्चा है जो सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूता है, कौन छूता है, ये गुरु जी कह रहे थे, बोले बेटा भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए, कितना साल के लिए, पिता माता की आदेश को पालन करने के लिए, लेकिन अब रामायण देखे होंगे दशरथ महाराज मना कर रहे थे तू मत जा,
लेकिन नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए भरो वचन ना जाए। इसलिए उन्होंने पिताजी की आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए गई। अब अपना बेटे को बोला तो 14 दिन के लिए तो पिताजी के आदेश पालन करने के लिए कहीं जा जाएगा तुम्हारी बेटा? 14 दिन के लिए हनीमून बनाने के लिए जा सकता है, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए नहीं जाएगा। कारण क्या? दोष पिता माता की। स्वयं भजन भजन से कोई मतलब नहीं, दिन भर टीवी देखते रहेंगे हैं और बच्चे को स्मार्टफोन पकड़ा देंगे, बोलेंगे नहीं तू रामायण गीता की कोई चौपाई याद करो, उसको स्मार्टफोन पकड़ा ले, स्मार्टफोन ले, लेकिन बच्चों के ऊपर में कोई संस्कार, ये हमारी पिता माता की दोष है। इसलिए क्या करनी चाहिए? रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, ठीक है ना। अब क्या करो, सबके सब भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। जहां पर भगवान की भजन भक्ति हो वही घर ही वृंदावन, ठीक है ना। लेकिन हम जो जो परिवार हमारे लाल प्रभु जी इनका परिवार को तो हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन लोग ने सबके सब गले में कंठी माला तिलक लगाते हैं, स्वयं भजन भी करते हैं, बच्चों को अंदर में भी संस्कार डाले। देखो इनको बहुएं बैठी, इनके लिए ताली बजा जोर से, देखो इनको, देखो इनका सबके सब बच्चे बहुओं को देखो, गले में कंठी माला तिलक हरिनाम करते हैं, हैं? देखो ये भागवत कहता है, ये भगवान नरसिंह देव ये बात कहते हैं, वंश में अगर एक बेटा अगर प्रभु की भजन लग जाए, एक संतान, ये भगवान नरसिंह देव प्रहलाद के लिए कहते हैं, बोले त्रि सप्त भी पिता पुत्र, उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी की तार्था, उसको पिता माता का जीवन भी धन्य हो जाती है। बोले नृत्यंति स्वर्गे पितरी पितरे साम, जो पूर्वज लोग पहले चले गए वो हाथ उठा उठा कर नाचना शुरू कर देते हैं, बोले हमारी अहो भाग्य है हमारी वंश में भक्ति करने वाले बच्चे जन्म हुए। बोले वसुंधरा बसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म लेता है वो वसुंधरा भी धन्य हो जाती है, इतने महिमा। लेकिन ये जो परिवार जो कथा करा रहे हैं आप लोगों को तो हम बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपका वंश में एक नहीं, आपको पूरा की पूरा के पूरा हमने देखा, पूरा के पूरा आपकी वंश में भाई की भाई, भाई के बेटे की बहू, बेटे सबके सब गले में कंठी माला तिलक आप भजन कर रहे हो, आप लोग बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यवान हो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल। कहते भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन में मंगल मंगल होता है, है? इसलिए श्री श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब सौभाग्य, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब शोभा। जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनता है जगत में उनकी जय जयकार होते हैं, सब कुछ उसके जीवन में मिलती है, रुपया धन दौलत सब जीवन में आपको मिलेगी। दा मतलब आसक्ति, भगवत कथा सुनने से संसार का समस्त आसक्ति बंधन नष्ट हो जाता है। इसलिए राधा रानी कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन ये भागवत कथा को जो दान करते हैं उनके जैसे पुण्यात्मा जगत में कोई नहीं। बहुत भाग्य से हैं, देखो हम भागवत कथा में सुनेंगे धुंधुकारी गोकर्ण की कथा सुनेंगे, लेकिन जिस समय गोकर्ण ने धुंधुकारी के लिए गया में पिंड दी, पिंड देकर जब वापस आया फिर प्रतात्मा बनकर बैठा हुआ, फिर प्रतात्मा बनकर, मतलब तेरे नाम पर गया में पिंड दिया तेरी की मुक्ति नहीं मिली। कहते 100 बार भी अगर पिंड दोगे मेरी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मुक्ति कैसे मिली? भागवत कथा से। एक होता है पितरदोष, पितरदोष जानती हो, अगर तुम्हारी पूर्वज लोग दुखी है, आप देखना घर में धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ हो, घर में शांति नहीं मिलती, क्यों? तुम्हारे पितर दोष है, पितर लोग खुश नहीं, लेकिन उनकी उद्धार कैसे होता है? भागवत कथा से। ये भागवत कथा से ही पितर दोष से खत्म हो जाती है। इसलिए कहते भागवत कथा दान जैसे राधा रानी कहती हैं, इससे बड़ा दान जो दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि 7 दिन तक ये श्रीमद भागवत कथा सुनने के लिए हमें मौका मिली है, ठीक है ना। कल आप लोग ने, हमारे गुरु जी कहते थे एक एक व्यक्ति 10-10 भक्तों को, क्यों?
आप जिनको साथ में लाओगे उनको भी तो पुण्य मिलेगा, सुकृति मिलेगी। जो लाने वाले को उसको आधा आधा पुण्य अपने आप मिल जाएगा, जो दूसरों को लेकर के ये भागवत कथा में आए। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले सच्चिदानंद रूपाय। हाँ देखो कथा कितने तक होगी प्रभु जी, कितने तक कथा करूं? 7 बजे तक। हाँ कितने बजे तक कथा करेंगे? आज थोड़ी सी 6 बजे तक कथा सुन लेते हैं, ठीक है? लेकिन रोज रोज कोशिश करके 5 बजे तक कथा को हम विश्राम देने के लिए। आज पहला दिन था, कलश यात्रा निकली, इसलिए आज 6 बजे तक अंदर में कथा को हम विश्राम दे देंगे और कल से 5 बजे तक, 2 से लेकर 5 बजे तक कथा सुनेंगे, ठीक है? आज एकादशी है, कहते भागवत कथा में अगर एकादशी आ जाए ना उसमें 4 चांद लग जाती है, हाँ भागवत कथा में, क्योंकि ये भागवत में ही एकादशी की महिमा आती है, हाँ भागवत में। इसलिए अगर एक भागवत में और आज प्रारंभ दिन में ही एकादशी आ गई, मतलब बहुत भाग्य है, बहुत अच्छा है। भागवत कथा में एकादशी आना, बहुत भाग्य से कथा में एकादशी आती है। इसलिए आज थोड़ी सी ज़्यादा कथा सुन लेंगे, कल से टाइम से सुन लेंगे, ठीक है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। बोले श्री सुक्त गोस्वामी जब भागवत को प्रारंभ करते हैं, कहते भगवान के स्वरूप कैसे हैं? बोले सच चीत और आनंद स्वरूप है। लेकिन हमारी स्वरूप कैसे हैं? बोले खीति जल पा बक गगा ना समीरा, खीति जल पा इसलिए भगवान का स्वरूप सत स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए अगर प्रभु की चरण में अगर शरणागत होता है, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, बोले भगवान कृष्ण के चरण में हम शरणागत होते हैं। बोले केवल कृष्ण नाम नहीं लिया, श्री कृष्ण, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, राधा जी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करते हैं, शिक्षा देते हैं। अकेले कृष्ण की उपासना नहीं होती है, राधा रानी को साथ में कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, तभी उपासना की पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है, है? इसलिए वृंदावन में सब किसके नाम लेते हैं? इसलिए कोई वृंदावन में कृष्ण का नाम कोई नहीं लेते हैं, किसके नाम लेते हैं? जोर से बोलो, राधा रानी का क्यों नाम लेते हैं? कृष्ण खुद कहते हैं बलरा शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम धा शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लोभा। ये वाक्य भी यारी खुद कहते हैं, अगर कोई रा शब्द बोल देना, कृष्ण कहते मैं सोच में पड़ जाता हूँ, उसको मैं क्या दूं, कहते मैं खुद को खुद दे देता हूँ। अगर कोई रा धा बोल देना, ये 2 अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे पीछे में भागता रहता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी बोली भाली संचल बिहारी, राधा रानी बोली भाली संचल
राधा रानी गंगा सुधारे बिहारी राधे 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 राधे। ये प्रथम श्लोक में बोले राधा रानी को साथ में कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए। अगर उनके चरण में शरणागत होंगे तो बोले छह चीज हमें मिलेगी। कितना लाभ होगा? छह चीज। बोले छह क्या लाभ होगा? जैसे भगवान सत चित आनंद स्वरूप है, एक दिन जीव को भी वो सत चित आनंद स्वरूप एक दिन जीव को भी प्राप्त होगी। और बोले ताप त्रय विनाशाय, जो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब जो मानसिक कष्ट है, आदि दैविक जैसे अभी कोरोना आ गई थी हैं, और आदि भौतिक मतलब एक जीव से एक जीव को जो कष्ट है, अगर कोई ठाकुर की शरण ग्रहण करे तो जीवन का समस्त दुख उसकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए जिस समय से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाए, परीक्षित महाराज के लिए विमान आया और बड़ी सुंदर एक गोपी स्वरूप प्राप्त करते हुए उन्होंने समस्त धाम को प्राप्त करते हुए भगवत लोक को प्राप्त किए, ब्रह्मा जी तो बड़े आश्चर्य हुए। बोले कथा की इतने महत्व और सीधा भगवत धाम में। इतने में श्री ब्रह्मा जी एक तराजू लाए, ला करके एक तरफ में जगत का जितने सारे सत्कर्म को रखे और दूसरे तरफ में केवल उन्होंने भागवत कथा को महिमा को धर दिया। जिधर भागवत कथा की महिमा को धरे वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और जितने सारे सत्कर्म हल्का हो गया। पता चला ये भागवत को सामने हम कोई भी सत्कर्म को हम बराबर नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी आदेश दिए, आज से ये ब्रह्मलोक में नित्य निरंतर कथा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते ये श्रीमद् भागवत कथा, यद्यपि नारद जी उन्होंने ब्रह्मा जी से ये सप्ताह का विधि से कथा सुनी है, लेकिन उन्होंने चतुसन से उन्होंने विधि विधान को साथ में सुने। तब सौनक आदि ऋषि लोग कहते हैं ये नारद तो मुक्त महापुरुष है, फिर इनको ये विधि विधान से क्यों कथा सुने? तब इसकी कथा श्री है, ये कथा को श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं। बोले एक दिन श्री नारद जी सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया लेकिन मन को शांति नहीं मिली। लेकिन उन्होंने देखा ये वृंदावन धाम में चलते हैं, लेकिन जब श्री वृंदावन धाम में यमुना किनारा में आए एक अद्भुत घटना देखा। बड़ी सुंदर एक स्त्री बैठी हुई, अगल बगल में दो बूढ़े लेटे हुए हैं, कुछ सुंदर सुंदर सखियां वो जो सुंदरी को उनको चामर व्यंजन पका कर रही थी। जब श्री नारद जी आए, नारद जी को दर्शन करते हुए बोले बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम पर। बोले हे नारद जी थोड़ी सी रुक जाओ। नारद जी रुक गए। बोले आप कौन हो? बोले आप मेरे को नहीं जानते हो? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। जो अगल बगल में जो लेटे हुए मेरे दोनों बेटे हैं, एक ज्ञान एक वैराग्य है, एक ज्ञान एक वैराग्य। बोले नारद जी जगत का नियम है, माँ होती है वृद्धा, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्दशा देखो, माँ तो युवती, क्योंकि मैं वृंदावन में आते ही भक्ति नृत्य थी जत्र च, यह राधा रानी के हृदय श्री वृंदावन धाम है, इसलिए यहाँ पर तो आकर के मैं युवती बन गई, लेकिन मेरे जो दोनों बच्चे ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। बोले बूढ़े कैसे हुए? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता कोचित कोचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, बोले द्रविड़े देश में तो मेरी जन्म हुई, लेकिन कर्नाटक में जब गई कहीं कहीं मेरे को आदर करते हुए मिले, लेकिन जब मैं गुजरात में आई वहां पर बड़े नास्तिक लोग थे, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, भजन नहीं करते थे, कहीं भी ठाकुर का नाम नहीं, इसलिए वहां आकर के तो मैं बुरी हो गई, लेकिन जब वृंदावन में आ गई मैं फिर युवती हो गई, युवती हो गई। लेकिन जो ज्ञान वैराग्य दोनों बेटे हो गए बूढ़े हो गए, तो
तुम कृपा करो जैसे मेरे बेटे को जवानी मिले। बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारी ज्ञान वैराग्य में जवानी दिला दूंगा। बोले अगर तू जवानी दिया दिया मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तुम्हारी हृदय छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। नारद जी तो उनको कान में वेद पुराण उपनिषद एक एक करके बड़ी जोर जोर से उन्होंने बोले, लेकिन उनकी आंख नहीं खुली। लेकिन जब उन्होंने गीता पाठ किया, क्योंकि कृष्ण की स्वयं मुखनिषिद्ध वाणी है, लेकिन गीता सुनकर का आंख तो खुली, थोड़ी तो कोशिश की बैठने के लिए, लेकिन जब गीता समाप्त हो गई ना धड़ाम करके गिरी। नारद तो दुखी हो गए, बोले गीता तो साक्षात भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी। फिर उन्होंने सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया, इनकी जवानी कैसे मिलेगा, लेकिन उसकी सही सही कोई उत्तर नहीं दे सके। लेकिन जब चतुसन से मिले, बोले नारद जी क्या भूल गए हो, क्योंकि जब व्यास देव ने जब समस्त शास्त्रों को रचना की लेकिन उनको संतोष नहीं मिली, आप ही तो बताए थे इनको भागवत रचना करो और भागवत रचना करके शांति मिली, इसको भागवत कथा सुनाओ। तब श्री नारद जी कहते हैं, बोले ये भागवत क्या है, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारत अर्थ विनिर्णय गायत्री भाष रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। बोले ये जो श्रीमद् भागवत है समस्त वेद पुराण इतिहास का निचोड़ है, ये भागवत है। लेकिन ये ऑलरेडी मैं उनको वेद वेदांत पुराण में तो सुना चुका हूँ, तब तो ज्ञान क्यों नहीं हुए। तो उनने दो उदाहरण देकर समझाए, जैसे आपको अभी पूरी बनानी, बोले घी लेकर के आओ पूरी बनाएंगे, लेकिन आपको किसी ने 20 किलो दूध ला करके दे दिया, बोले बड़ा पूरी बनानी है दूध क्या, बोले दूध में तो घी है ना, है इसमें बना दो। लेकिन जो काम घी में होगा वो काम दूध में होगा, यद्यपि दूध में घी है। बोले उसी तरह जैसे आपका आम खाने की इच्छा, किसी ने पत्ता टहनिया ला कर दे दिया, टहनिया दे दिया, बोले भैया आम क्या है, ये पत्ता और टहनिया का रस ही तो फल रूप धारण करता है ना, अब पत्ते को खाओ ना उसका टहनिया को जीवा वो आनंद आएगा जो आम में जो रस है। बोले उसी तरह ये जो श्रीमद् भागवत है ये निगम कल्प तरूर गलितम फल, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ये श्रीमद् भागवत। ये भागवत में जो आनंद है ना ये आनंद और कहीं नहीं, इसलिए भागवत इनको भागवत कथा सुनाओ। बोले कहाँ पर सुनाएंगे, बोले हरिद्वार में सुनाओ। जब ये बात गई चतुसन कथा सुनाएंगे, ब्रह्म लोग से देव लोग से बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कथा सुनने के लिए आए, जितने समस्त दंडकारण्य ऋषि गंगा जमुना सरस्वती सबके सब कथा सुनने के लिए आए, और जो नहीं आए ना अगस्त ऋषि घर घर में गए, बोले भैया चतुसन कथा सुना रहे हरिद्वार में गंगा किनारा में कथा, बड़े भाग्य से सुनने को मिलता, चलो सबके सब कथा सुनने के लिए आए। जब उन्हें कथा प्रारंभ कर रहे थे स्वर्ग से देवता लोग भी शंख और नगड़ा बजा करके जय ध्वनि दी, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। अरे आप लोग भी जोर से जयकार बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। इसका तात्पर्य किया, अगर कहीं ये भागवत कथा हो ना ये देवता लोग भी खुश होते हैं, देवता लोग भी स्वर्ग से जय जयकार करते हैं, वहां से भी पारिजात पुष्प की बौछार करते हैं। क्यों, बोले जहां पर ये भागवत कथा हो, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग। बोले जहां पर ये भागवत कथा हो पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वहीं पर सबके सब आ जाते हैं, जो ये भागवत कथा सुन लेते हैं। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है आपको पता है, कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। 1 अरब कितना है, 1 अरब कितना, 100 करोड़। और 6 अरब कितना हो गया, 600 करोड़ तीर्थ में जो ये कथा में कथर भी गंगा में स्नान करते हैं उनको 6 अरब तीर्थ में बैठी बैठी करके स्नान करना हो जाता है जो ये कथा को श्रवण कर ले। इसलिए जब कथा उन्होंने विश्राम की गोलोक वृंदावन में श्री बांके बिहारी राधा रानी उतर करके आ गए, वहां पर जितने सखियां उतर करके आ गई, वहां पर नारद जी व्यास जी सुखदेव गोस्वामी सबके सब आ गए और बड़े सुंदर कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राम हरि गोविंद जय जय राम चंदन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय सबके साथ वहाँ पर प्रकट हो गए और कथा के प्रभाव से वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे सबके लिए एक एक रथ आया और सबके सब ठाकुर के पास में चले गए। देखो आप लोग भी कथा सुन रहे हो, जब कथा के विश्राम हो ना आप सभी के लिए भी एक एक रथ आएगा। अब जाओगे ठाकुर के पास में कौन जाएगा बोला हाथ उठा, अगर सचमुच से रथ आ गया कौन कौन जाएगा? आप लोग जाओगे? कोई नहीं जाओगे, भाग जाओगे यहाँ के सबके साथ। बोले कभी बेटा की शादी नहीं हुई, बेटी पढ़ाई कर रही है, पति को कौन रोटी खिलाएगी? कोई चिंता मत करो, रथ आने वाले नहीं, कोई चिंता मत करो। लेकिन जब तक ये संसार की आसक्ति खत्म नहीं हो जाए तब तक रथ आने वाले नहीं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए जब उन्हें सबके सबको भगवत गति प्राप्त हुई तब यहाँ पर श्री नारद जी चतुसेन से प्रश्न करते हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो, किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं हो रही, क्या कथा सुनने से उसका भी उद्धार होगी? बोले भैया जब भगवत कथा सुन करके जीव भगवत गति को प्राप्त करे ये मुक्ति तो चुटकी वजह से हो जाएगी। फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधिकारी की कथा सुनाई, कैसे श्री आत्मदेव नाम कैसे ब्राह्मण रहते थे, घर में सब सुख, घर में सब सुख मतलब एक व्यक्ति क्या चाहता है कोई अच्छे घर में जन्म हो। कौन सा घर में जन्म हुआ? ब्राह्मण घर में, सर्वश्रेष्ठ घर में जन्म हुआ। उसको बाद में क्या चाहते हैं? शरीर सुंदर हो, मतलब द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूरज जैसे चमचमाते थे, इतने सुंदर थे। फिर क्या चाहते हैं? बढ़िया ज्ञान हो, बोले स्रोत स्मार्ते सुनिष्णात, समस्त स्मार्त ब्राह्मण कर्म कांडी में निपुण थे। फिर क्या चाहते हैं? घर में माल भी हो, पैसा की कोई कमी नहीं, एक भरपूर लक्ष्मी। फिर क्या चाहते हैं? किसी सुंदरी लड़की से शादी हो जाए, घर में सुंदरी लड़की भी, पत्नी भी बड़ी प्यारी, घर में सब सुख है लेकिन घर में शांति नहीं। क्यों? ध्यान देकर सुनो, बड़े कंजूस थे, एक पैसा हाथ से निकल नहीं जाए। देखो ध्यान देकर सुनो, ये जो पैसा है ना, अच्छे तरह से चीज को सुनो, पैसा ये लक्ष्मी, जो लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, ये लक्ष्मी नारायण की। किसकी लक्ष्मी? अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की ठाकुर को सेवा में नहीं लगती है, ठाकुर को लक्ष्मी फिर घर में सुख शांति नहीं देती, क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो नारायण की लक्ष्मी है। अगर वो ठाकुर को सेवा में लगे, घर में जो कुछ खाना बने बगैर प्याज लहसुन के बने, ठाकुर जी को भोग में लगे, जैसे हमारे श्री लाल प्रभु जी जैसे ये भागवत कथा में लगाए पैसा, सत्कर्म में पैसा लगाए, दूसरों की कल्याण हो, फिर तो लक्ष्मी घर में सुख शांति देती है, नहीं तो घर में सुख शांति नहीं देती है। बड़ी कंजूसी, एक पैसा घर से निकल नहीं जाए, इसलिए घर में बच्चे है ही नहीं, दुखी। घर में बच्चे नहीं, पूर्वजों को कोई चीज दे लगता है जैसे कोई गर्मी चीज दे रही, कोई गैया लाए तो बांझ हो जाए, पेड़ लगाए तो फल नहीं आए, पूर्वजों को कोई चीज दे लगता है कोई गर्मी चीज दे रहा है, बड़े दुखी दुखी। सवेरे कोई मुंह देखे तो बोले दिन भर हमारा खराब हो जाएगा, किसका मुंह हमने देख लिया। एक दिन दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए गया, लेकिन ठाकुर जब किसको पर कृपा करते है ना, संत रूप में नहीं तो ब्राह्मण रूप में कृपा करते हैं। ठाकुर जी मानो स्वयं संत रूप में आए, बोले बेटा क्या बात है, बोले घर में सब सुख है लेकिन घर में बेटा नहीं, दुखी। बोले बेटा अगर घर में बेटा नहीं कोई बात नहीं, ठाकुर को बेटा मान लो, घर में गोपाल जी को रख लो, ठाकुर को सेवा पूजा करो, इसी से ही शांति मिलेगा। जो एनर्जी तुम्हें लगाना था बच्चे में, अगर ये एनर्जी ठाकुर में लगा दोगे ना, बस भगवत प्राप्ति, भगवान ही तुम्हारी बेटा बनकर आ जाएंगे। देखो वृंदावन में एक माता जी, सही घटना है, वो माता जी रहती थी वृंदावन में, उनने जिंदगी भर गोपाल जी को घर में सेवा पूजा की, लेकिन जो वृद्धा हो गई ना, ठाकुर जी स्वयं सेवा करते थे, मार्केटिंग ठाकुर स्वयं करते थे, पानी ला करके देते थे, रसोई बनाते थे ठाकुर स्वयं।
तो उन्होंने समझाए ठाकुर जी को ही बेटा मान लो। बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए। बोले देखो सगर महाराज का नाम सुने। बोले हाँ। बोले बताओ तो कितना बेटे थे। बोले 10,000। बोले सुख मिला नहीं मिला बेटा। चित्रकेतु महाराज का नाम सुने। बोले हाँ। बोले कितने पत्नी। 1 करोड़ पत्नी थी बेटे की, बेटे बेटे के लिए। लेकिन शांति मिली नहीं मिली बेटा, इसलिए भगवान को बेटा मान लो, भजन करो शांति मिलेगी। बोले नहीं हमें तो बेटा ही चाहिए, हमें बेटा ही चाहिए। संसार में बच्चे जब किलकारी मारते हैं कितने आनंद आता है, तोतली तोतली बोली बोलते हैं कितने आनंद आता है। लेकिन वो किसी तरह से माने ही नहीं। जब माने ही नहीं बोले एक काम करो, उन्होंने पेड़ से एक फल को लेकर के उनको दे दिया। बोले इसको लेकर के अपना पत्नी को ये फल खिलाना। देखो ये कथा को हमारे बीच में एक प्रभु जी बैठे हुए आपके कथा सुना है। सुना दो तुम खड़े हो जाए जल्दी जल्दी सुना देना। हम ना अभी तो हम धीरे धीरे बूढ़े हो गए, हम सोचते हैं ये बच्चे भी आगे बढ़े। प्रभु जी माइक देते, एक बार हाथ उठा करके बोलो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। एक बार जोर करके बोलो। आज एकादशी देखो, एक बार जो एकादशी का दिन नाम करता है ना उसको 100 बार नाम करने का फल मिलता है। जोर से बोलो एक बार। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो, आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से, आवाज नहीं आ रही। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, जय जय श्री राधे। बोलो अज्ञानं निरंजनस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। एक बार सभी फिर से बोलिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परमात्म गुरु पाद पद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त श्रोत मंडली हरि कथा श्रवण कृपा माताएं प्रभु सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के महात्म में श्री पद्म पुराण के अंतर्गत किस प्रकार जब आत्मदेव और पत्नी धुंधली, यहाँ आत्मदेव कहाँ रहते थे, तुंगभद्रा के किनारे पर। संत लोग इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि हम सब भी एक आत्मदेव का ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हम सब भी तुंगभद्रा पर विराजमान करते हैं। तुंग का अर्थ होता है, तुंग अर्थात होता है श्रेष्ठ, और भद्रा मतलब कल्याण का कारण। तो हम लोगों को भगवान ने ये जो मानव शरीर दिया है, ये मानव शरीर ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण का कारण है। इसी मानव शरीर को प्राप्त करके हम भगवान के धाम को गमन कर सकते हैं। लेकिन वो सब यदि ना करके और इस संसार में ही रचे बचे रह गए तो हमने क्या किया, इसे व्यर्थ गवा दिया। इसलिए हम सब आत्मदेव स्वरूप ही हैं, और हमारी भी पत्नी है धुंधली, हमारी भी पत्नी है धुंधली। धुंधली अर्थात हमारी ये बुद्धि, हमारी जो संशय वाली बुद्धि है, कुतर्क वाली बुद्धि है, इसी को ही धुंधली बताया। भगवान ने हमें जानवरों से श्रेष्ठ बनाया है इस बुद्धि को प्रदान करके। अगर हम इस बुद्धि को भगवान के भजन में लगाएं तब तो हमारी श्रेष्ठता स्थापित होगी। लेकिन अगर ये ना करके और इस संसार की भोग वासनाओं में लिप्त रहें तब हमारा जीवन ये व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए संतान के ना होने के कारण भी बड़े दुखी थे। जब आत्महत्या करने के उद्देश्य से एक दिन वन में आए तो उनकी भेंट एक संत से हो गई। संत ने प्रश्न किया, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी, अरे ब्राह्मण देवता क्यों क्रंदन कर रहे हो यहाँ वन में, क्या तुम्हारी चिंता का कारण है, जरा बतलाओ। तो उस समय पर ब्राह्मण देव कहने लगे कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों का पाप उदय हुआ, घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, और संतान ना होने के कारण बड़ा दुखी हूँ। संत ने बड़ा समझाने की कोशिश करी कि कर्मों के अनुरूप तुम्हें सुख और दुख मिलते हैं, अरे इस जन्म तो क्या सत्म जन्मा का भी पुत्र नैवचा नैवचा,
अरे इस जन्म में क्या सात जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होने वाला। जैसे ही आत्मदेव ने ये बात सुनी बड़ा दुखी हो गया, बड़े दुखी हो गए और मनी मन विचार करने लगे कि संत ने तो और मेरे दुख को बढ़ा दिया। मैं तो सोच रहा था संतों के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होगी, ये कह रहे सात जन्मों तक कोई संतान नहीं। बड़े दुखी होकर जमीन पर माथा पीट पीट के और आत्महत्या करने लगे। संत को कह रहे हैं, उनकी धमका रहे हैं कि देखो अगर मेरे मुझे पुत्र की प्राप्ति ना हुई आप ही के चरणों में प्राण त्याग दूंगा और तुम्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत यहाँ पर मनी मन सोचने लगे कि भैया अच्छी तुमसे राम राम हुई, हम तो हमारे रास्ते जा रहे थे, सोचा तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा तुमसे कोई दक्षिणा ली है क्या, हमें क्यों संत का आशीर्वाद देने लगे, हम क्यों तुम्हें पुत्र होने का आशीर्वाद देने लगे। तब वो ने फिर भी क्रंदन करना रुके नहीं। संत ने तभी फल तोड़ के दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इसे खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बड़े नृत्य करते करते बड़े प्रसन्न चित्त से जैसे घर में आए पत्नी को कहने लगे, भाग्यवान सुनती हो। बोले बताओ क्या है। बोले तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आया हूं। धुंधली भी बड़ी दौड़ी दौड़ी आई, सोच रही थी कि आज बड़ी भारी दक्षिणा मिली होगी इसलिए इतने आनंद में है। जैसे ही हाथ में फल देखा और पति को गाली करते हुए कहने लगे, बोले ये क्या, मैंने कभी जीवन में फल खाया नहीं क्या, इतनी जोर से चिल्ला रहे थे मानो नौलखा हार लेकर आए हो, लाए हो एक फल। बोले इसे साधारण फल मत समझ पगली, इसे खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा पुत्र होगा, चलो। धुंधली मनी मन विचार करने लगी और सोच रही है कि फल खाऊं कि ना खाऊं। शाम में उसकी सहेली जब घर में आई उससे मंत्रणा करने लगी कि देखो मैंने सुना है जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसका पेट बाहर निकल आता है, ठीक से चल भी नहीं सकती और खाने में भी बहुत ही चूजी हो जाती है। गांव में यदि कभी आग लग गई तो ठीक से भाग भी नहीं पाऊंगी और अगर चोरों का डाका पड़ गया तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। मैंने सुना है सुखदेव गोस्वामी तो माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे थे, अगर मेरी संतान 3-4 साल भी रह गई तो मैं तो कैसे जीवन धारण करूंगी। इस प्रकार के अनेक अनेक कुतर्क करके उसने क्या किया, उस फल को खाया नहीं और वो फल ले जाकर दे दिया एक गाय को। उसकी बहन से कहा कि तेरा भी तो पुत्र होने वाला है, अरे मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं, तेरे घर में कुछ खिलाने को नहीं, तो अपना ही पुत्र मुझे दे दियो। बहन भी मान गई। जैसे ही संतान का जन्म हुआ उसकी बहन ने पुत्र लाके और धुंधली को दे दिया। इस तरफ गाय के गर्भ से भी, संतों का आशीर्वाद था ना, गाय के गर्भ से भी एक मनुष्य पुत्र ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर स्वरूप था उसका, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इतना सुंदर स्वरूप, पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा, केवल मात्र कान उसके गाय के जैसे थी। पुत्र क्योंकि धुंधली का पुत्र हुआ है इसलिए धुंधली ने कहा नामकरण भी हम ही करेंगे। बोले क्या नाम दोगी, इसका नाम होगा धुंधुकारी। और जिस पुत्र का जन्म गाय के गर्भ से हुआ उसका नाम दे दिया गोकर्ण। अभी दोनों की ही पूरे गांव में बड़ी ख्याति होने लगी, एक तो हो गया विख्यात और एक हो गया कुख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल, इतना खल, इतना दुष्ट पुत्र धुंधली के गर्भ से जन्म हुआ, सब समय कलह करता रहता। किसी बच्चे को कुएं के पास में देखा तो उसे धक्का मार के गिरा देता, घर के बर्तन बेच बेच के आ जाता, पिता माता सबसे लड़ाई झगड़ा ही करता रहता था। और यहाँ पर आत्मदेव इतने दुखी हो गए, दुखी होके और फिर से आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे। लेकिन गोकर्ण बड़ा बुद्धिमान था, गोकर्ण ने अपने पिता को पकड़ के और आत्म उपदेश देने लगे। दो श्लोकों के माध्यम से गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है पिता को, जिसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। देह अस्ति मांस रुधिरा अभिमतिं त्यजत्वम्, कहते हैं श्लोक के अंदर कि इस शरीर के अंदर आसक्ति मत रखो हे पिताजी, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इस शरीर के, इस जीव के सबसे बंधन के कारण ये दो ही है, मैं और मेरा। ये शरीर को हम मेरा मान लेते हैं, इस शरीर से संबंधित लोगों को, पुत्र परिवार पत्नी, उन सब में बड़ी आसक्ति रखते हैं और ये ही दुख का कारण है। इसलिए क्या करो, इस आसक्ति को हटा दो, इस शरीर से संबंधी। अरे ये शरीर क्या है, अभी श्रवण कर रहे थे ना, खिति जल पावन गगन शरीर मेरा पंच रचित है अधम शरीरा। ये शरीर तो एक पंचायत है, पांच तत्वों से मिलकर बना है, ये पंचायत है और पंचायती धर्मशाला में तो सब समय नहीं रहते, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। जब यम के दूत आएंगे लेने के लिए तो
इस शरीर से आत्मा को लेकर चले जाएंगे। और किसको लेकर जाते हैं ये हम लोग? उन्हीं को लेकर जाते हैं जो कब्जा जमाए बैठे हैं इस शरीर पे, जो भगवान के भक्त होते हैं, जिन्हें इस संसार में, इस शरीर में कोई आसक्ति नहीं है, उनके प्रति वो कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए ये सबको परित्याग करके क्या करो? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के भजन में अपने जीवन को नियुक्त करो। आत्मदेव के भी ये बात समझ में आ गई, उन्होंने वन में जाकर दशम स्कंद का पाठ किया और भगवत धाम को चले गए। पीछे से इधर धुंधली, उसको जब धुंधुकारी सताने लगा, उसने कुएं में कूद के आत्महत्या कर दी। पांच पांच वैश्याओं को घर में ले आया और उनको पालन करने के लिए तरह तरह के चोरी चकारी दुराचार करने लगा। एक दिन राजा के घर में, राजा के महल में जब उसने डाका डाला और वहां से बहुत सारे हीरे माणिक के घर में ले आया, सब वैश्या विचार करने लगी कि अगर कल सुबह सैनिक लोग आए तो इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे। रात ही रात में धुंधुकारी को बड़े दुर्गी गति से मार दिया, उसको फांसी का फंदा डाल के मारने की चेष्टा करी। जब नहीं मर रहा था तो जलते हुए अंगार लेके उसके मुंह में ठूस ठूस के उसको मार दिया। वहीं पर गड्ढा खोदा गाड़ के और पांचों वैश्या वहां से धन लेकर फरार। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। जब आत्मदेव को, जब गोकर्ण जी को यह बात पता चली तो उसका श्राद्ध दे दिया। गया में जाकर श्राद्ध करने पर भी, पिंडदान करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। पुनः जब घर में आए हैं तो तरह तरह के रूप लेकर उनको डराने लगा है। गोकर्ण जी ने जैसे ही मंत्रित जल लेकर उसके ऊपर छिड़का तब कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधुकारीति नामिना। कहता है, हे प्रभु, हे भाई, मैं आपका वही भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है और मेरे तो पूरे जीवन कोई शुभ कर्म नहीं थे, एकमात्र आप जैसा भाई प्राप्त किया है, यही मेरी संपत्ति है। इसलिए क्या करो, मेरे इस प्रेत योनि से उद्धार का कुछ उपाय करो, मुझे यहां से मुक्ति दिलाओ, मैं यहां बड़े कष्ट में हूं। उस समय पर गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। भागवत सप्ताह के आयोजन से ही धुंधुकारी ने वहां पर एक सप्त ग्रंथियों वाली बांस थी उसके अंदर आश्रय लिया। एक एक दिन की जिस प्रकार कथा हो रही थी, उस सात गांठ वाली बांस के एक एक ग्रंथि चटकती गई और सप्त, अब जैसे ही सात दिनों की कथा शेष हुई, उस समय पर धुंधुकारी ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, इतना सुंदर स्वरूप धारण किया, पीताम्बर धारण करा हुआ है, चतुर्भुज रूप, विष्णु दूत का जिस प्रकार स्वरूप होता है ऐसा स्वरूप धारण करके, और धुंधुकारी वहां पर विराजमान है। गोकर्ण जी यहां पर प्रश्न करने लगे कि कथा तो सभी ने श्रवण करी, लेकिन एकमात्र एक रथ क्यों आया? तब विष्णु दूत वहां पर उत्तर देते, कहते हैं कि श्रवण में भेद है। जिस प्रकार आतुर भाव से एकनिष्ठ होकर एक मन से धुंधुकारी ने कथा सुनी, उसी प्रकार सभी श्रोताओं ने नहीं सुनी, इसलिए हम लोग एक ही रथ लाए हैं। अभी सुन रहे थे ना, अगर भागवत कथा का श्रवण करेंगे एक मन से तो हम सभी के लिए भी रथ आएगा। तब सभी ग्रामवासी बड़े दुखी हो गए। गोकर्ण जी कहने लगे, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी यहीं पर हूं। पुनः वापस भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है और इस बार सभी ग्रामवासियों ने, हजार हजार वक्ता, हजार हजार वहां पर श्रोता थे, सभी ने एक चित्त होकर वहां पर भागवत कथा का श्रवण किया। और जैसे ही सप्त दिन हुआ, उस समय पर साक्षात भगवान गोलोक वृंदावन से पधारे हैं। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया, उन्होंने, गोकर्ण बड़े आनंदित हुए, भगवान ने भी गोकर्ण को आलिंगन किया और गोकर्ण की बड़ी महिमा गाई कि गोकर्ण तुम जैसे भक्त, तुम जैसे कथादानी धन्य है, तुम ही ने ही तो इस संसार को भवसा, इस संसार में पड़े हुए लोगों को पार करने का ठीका उठा लिया गया है, इसीलिए तुम जैसे भक्त बड़े ही दानवीर और बड़े ही धन्य है। और भगवान ने क्या किया, गोकर्ण को आलिंगन करके निज धाम को लेकर चले गए। सारे श्रोता भी अपने अपने चतुर्भुज रूप को धारण करके रथ में बैठ के और निज धाम को चले गए हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पर शौनकादि ऋषि श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, धन्य भागवती वार्ता प्रेत वीड़ा विनाशिनी। अरे भागवत कथा का श्रवण करके तो प्रेत योनि से तो धुंधुकारी का उद्धार हो ही गया, लेकिन जितने भी लोगों ने इसका श्रवण किया है उन सभी को ही भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई है। इसलिए विचार यहां बतला रहे हैं कि कथा यदि श्रवण करनी हो तो कैसे श्रवण करेंगे, एक चित्त से। कहते हैं, विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना मनस दोष जयश्चैव कथायां निश्चलाम् मति। कथा श्रवण करने का मूल मंत्र श्रवण कर लीजिए।
कहते हैं विश्वास गुरु वाक्येषु, ऐसा नहीं कि ये भागवत की कथा, अरे वो सुनी सुनाई कथा है, इन शास्त्रों पे आज किसका विश्वास रह गया है। संबंध घड़ंत बातें हैं। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के लोगों की क्या धारणा है कि शास्त्र तो मनोकल्पित है, ये शास्त्र की बातें कोई सत्य वचन थोड़ी है। हाँ, किसी ने अपनी मन में जैसी जैसी रचना आई उसी के अनुरूप लिख दिया, लेकिन शास्त्र की कोई बात प्रमाणित नहीं, सत्य नहीं है। नहीं, जो व्यास गद्दी पर विराजमान शुद्ध संत इस भागवत की, इन शास्त्रों की बातों को वर्णन कर रहे हैं, एक एक बात सत्य है, इसलिए उस बातों पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास गुरु वाक्येषु सस्मिन दीनत्व भाविना, दीनहीन भाव से, बड़े दीनहीन भाव किस प्रकार, हनुमान जी जैसा। हनुमान जी के बारे में श्रवण किया है, जब जब भी राम कथा होती है तब तब हनुमान जी क्या करते हैं, वहां वहां पर विराजमान रहते हैं, उस स्थान पर आकर उस स्थान पर प्रणाम करते हैं, जो वक्ता है उसको प्रणाम करते हैं, सारे श्रोताओं को प्रणाम करते हैं, उस स्थान की धूली अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि इस स्थान पर साक्षात भगवान की कथा हो रही है, ये स्थान भी साधारण नहीं। इसलिए ऐसा दीनहीन भाव लेकर यदि कोई कथा का श्रवण करे तो उसको कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। स्वस्मिन दीनत्व भाविना मनस दोष जयस्तेषाम कथायाम निश्चलाम मति, चंचल मन से नहीं, एक मन स्थिर होके यदि कोई कथा का श्रवण करे तो क्या होगा, हमारे लिए भी रथ आएगा। इसीलिए विशेष करके कथा सुनने के लिए बताया दो प्रकार के श्रोता हैं, अवर और प्रवर। श्रोता में भी दो कैटेगरी बताएगी, एक अच्छा श्रोता और एक बुरे श्रोता। अच्छे श्रोता बताए चार प्रकार के होते हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, अच्छे श्रोता चार प्रकार के। पहला बताया मछली, मीन। मछली को देखा है, मछली के अंदर देखो एक गुण है, मछली पानी के अंदर रहती है और मछली की कभी भी पलक नहीं झपकती। बोले श्रोता को कैसा होना चाहिए, मछली जैसा, कि एक टकी लगाकर, टकटकी लगाकर कथा में श्रवण करे, जैसे कथा का कोई भी शब्द हमसे चूक ना जाए। दूसरा एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है एक चातक पक्षी। चातक पक्षी का क्या गुण है, आप देखो ये चातक पक्षी कभी भी किसी सरोवर, किसी नदी का पानी नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत वृष्टि होती है तो वही बारिश का ही पानी पीता है ये चातक पक्षी। बोले हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, कथा सुनो तो एकमात्र भगवान की कथा और अन्य इधर उधर की कथा नहीं सुननी चाहिए, है ना। तीसरे प्रकार का श्रोता बताया तोता। तोता को कैसा श्रोता बताया, कहते हैं कि जैसा भी वक्ता कहता है उसी, आप तोते को देखना, जैसा जैसा आप उसे पढ़ाते हो वैसा वैसा वो श्रवण करके और ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार ये तीसरा श्रोता बताया। चौथा एक बताया श्रोता मीन हो गया, हंस। चौथा बताया हंस। हंस का क्या गुण है, देखो हंस को आप यदि दूध और पानी मिलाकर दे दो तो वो क्या करेगा, दूध दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। ऐसे ही हमें भी वैसा ही होना चाहिए, सारग्राही। ऐसा नहीं कि दुनिया जहान की बातें भी कर ली, संसार में भी रचे पचे हुए हैं और भगवान की कथा में भी रचे हुए हैं, ऐसा नहीं। असार को त्याग करके केवल सार सार ग्रहण करना, कथा भगवान की कथा ही ग्रहण करना, ये हो गया चार प्रकार के अच्छे श्रोता। ऐसे ही खराब श्रोता, जो कनिष्ठ श्रोता होते हैं, उसके भी कैटेगरी बताई है। कहता है हिमालय में एक पक्षी रहता है जिसका नाम होता है भुरुंड। ये भुरुंड पक्षी का क्या गुण है, आप इसको जैसा जैसा बताओगे ये वैसा वैसा सुन लेगा, याद भी कर लेगा, लेकिन करते समय एकदम विपरीत करेगा, करते समय एकदम विपरीत। कहते हैं कुछ कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा में तो बड़े ध्यान से बैठे रहते हैं, सब चीज को सुनते भी हैं, सब चीज को याद भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में कभी पालन नहीं करते। अरे बोले व्यास का काम था कहने का, उन्होंने वहां कहा, हम वहीं पर पल्ला झाड़ के और अपने घर को चले गए। ऐसा नहीं, कथा में जो चीज हम श्रवण कर रहे हैं उसका मनन करके और उसे ग्रहण करना, अपने जीवन में आचरण करना, ये एक ठीक श्रोता का लक्षण है ना। दूसरा उदाहरण बताया एक बैल। बैल को आप देखोगे, बैल को यदि आप फल दो, अच्छे अच्छे फल फूल दो वो भी खा लेगा, और सूखी घास दो वो भी ग्रहण कर लेगा। मतलब क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं देखता। बोले एक श्रोता को ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान की कथा मिली तो उसमें भी बढ़िया ध्यान से श्रवण करने लग गए, और संसार की कई बातें चल रही थी, चुगली हो रही थी, किसी की निंदा हो रही थी, वहां पर भी बैठ गए। बोले नहीं, दोनों में फर्क करो, भगवान की कथा को ही प्रथमता दो, ठीक है। तीसरा एक बताया भेड़िया।
एक भेड़िया जाति का जो एक पक्षी एक जानवर होता है उसका क्या गुण है, जब हिरण एक सुरीला शब्द सुन के और आकर्षित रहता है उस समय पर क्या करता है, ये भेड़िया जाके उसे खा लेता है, उसको आक्रमण करता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ श्रोता होते हैं, जो बगल वाला श्रोता बड़े ध्यान से कथा सुन रहा है लेकिन उसको कथा सुनने नहीं देता, बोले आज तेरे घर में क्या हुआ था, तेरे घर में क्या बना था, इस तरह की दुनिया जान की बातें करके खुद तो कथा सुनते नहीं दूसरों को भी कथा सुनने नहीं देते, है ना। तो इस प्रकार के कनिष्ठ श्रोताओं की भी श्रेणी बताई है। अंततः भागवत की कुछ विधि बतलाते हुए और कहते हैं कथा तीन प्रकार की है, चार तरह की कथा है। कहते हैं राजसिक, सात्विक, तामसिक और निर्गुण। राजसिक कथा कैसी है, कहते हैं राजसिक कथा वह है जिसके अंदर बड़ा सुंदर आयोजन किया, बड़े बड़े आडंबर किए, बड़ा टेंट लगाया, अच्छा स्पीकर माइक, इतनी व्यवस्थाओं में ही इतने व्यस्त रह गए कि कथा सुनने का समय ही नहीं मिला, ये करना है वो करना है, सारी व्यवस्था में ही समय चला गया लेकिन मूल जो भगवान की कथा है उस कथा में ध्यान ही नहीं गया, कहते हैं ये राजसिक कथा है, ठीक है। उसके बाद में आया सात्विक कथा। सात्विक कथा के अंदर क्या है कि मन हुआ तो कथा के शुरू शुरू में आ गए, किसी प्रकार श्रवण कर लिया, सात दिन कैसे न कैसे श्रवण करते करते निकाल दिए। तामसिक कथा, तामसिक कथा के अंदर क्या हुआ कि कथा सुनने में कोई रुचि नहीं है, किसी प्रकार कथा के लास्ट में आ गए, कहीं सुना कहीं नहीं सुना, सात दिन ऐसे निकाल लिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कथा जो बताई है क्या, निर्गुण। निर्गुण में बतलाते हैं सदा सेव्याम सदा सेव्याम श्रीमद भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सबसे श्रेष्ठ कथा क्या है, निर्गुण कथा, कि कथा ये एक दिन का ये सात दिन का व्यापार नहीं, सदा सेव्याम सदा सेव्याम श्रीमद भागवत ग्रंथ का तो सब समय ही श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, तब जाकर क्या होगा हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और कहते हैं भगवान के हृदय में विराजमान होने से होगा क्या, कहते हैं हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अनेक सारे दोषों से भरा हुआ है, लेकिन अगर भगवान हमारे हृदय में आएंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे दूरीभूत हो जाएंगे, हमारा हृदय निर्मल होकर एकमात्र भगवान के गुणों का भगवान के चरित्र का स्मरण करते करते विराजमान हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राधे गौर प्रेमानंदे हरि हरि। प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे और इसको बाद में फिर कथा को विश्राम देंगे। आप लोगों ने एकादशी रखे हो, जोर से हाथ उठाओ कौन कौन एकादशी व्रत है। देखो ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, मैं जैसे हम लोग अलग अलग कोई सोमवार रखते हैं, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई कोई तो सात दिन रखते हैं, लेकिन आप भागवत पढ़ करके देखो वहां पर ये सोमवार भी नहीं, मंगलवार भी नहीं, बुधवार, कोई व्रत का नाम नहीं है, केवल भागवत में ये एकादशी की कथा आती है। ये जितने सारे व्रत का नाम किसने लिखे, व्यासदेव, लेकिन व्यासदेव ने जब सारे ग्रंथों को रचना कर डाले लेकिन तब भी उनको मन में शांति नहीं मिली, लेकिन शांति कब मिली, जब ये भागवत ग्रंथ रचना की, इसलिए ये भागवत ग्रंथ में ये एकादशी का व्रत कथा आती है। इसलिए एकादशी व्रत हमें जरूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत, कौन सा व्रत, कौन जोर से बोलो, ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब क्या, अगर आप लोगों को पास में एकादशी व्रत की कथा का पढ़ करके देखना ना, जैसे 15 दिन में एक बार ये व्रत आती है। एक व्रत का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब जिसके घर में अन्न शस्य की कमी है, अगर वो व्रत आप करोगे ना अब घर में अन्न शस्य आएगी, इसलिए ये व्रत को कल्पतरु मतलब जो मांगोगे एकादशी व्रत करके सो आएगी। एक व्रत का नाम इंदिरा, आप लोग पढ़ करके देखना अपना घर में होगी, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिसके घर में लक्ष्मी की कम पैसा की कमी है अब एकादशी व्रत करो घर में खूब माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, अगर हम संसार में बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे हैं किसी तरह से दुख कष्ट नहीं जाता है, आप लोगों देख लेना जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में साल साल तक लेटा हुआ लेकिन किसी तरह से मृत्यु नहीं हो रहा है, बड़े दुख कष्ट भोग करता है। आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ पूछो इनकी सदगति जल्दी जल्दी कैसे होगी, आप देख लेना क्या बोलेगा,
बोले कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकता हूं? ब्राह्मण और कोई व्रत का नाम नहीं लेगा, बोलेगा एकादशी व्रत करके इसको फल दे सकते हो। अब देख करके देखना, देखो मैं विदेश गया था, यूरोप गया था। मैं जब यूरोप गया, एक समय कुछ भारतीय लोग थे, हमें बुला करके हॉस्पिटल ले गए। एक उनका परिवार में उनको पिताजी 2 साल तक हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, शरीर में केवल हड्डी हड्डी और कुछ नहीं, इतने दुख पा रहे थे, शरीर नहीं छूटे, गला में प्राण अटका हुआ। इतने में मेरे को ले गए, बोले बाबा बाबा पिताजी के दुख देखा नहीं जा रहा है, 2 साल से हॉस्पिटल में पड़े हुए, आप बोलो इनकी गति कैसे होगी। मैंने कहा एक काम करो, पूरा परिवार एकादशी व्रत करके इसका फल दे दो। बोले बाबा अभी 10 दिन बाकी एकादशी व्रत, एक एक दिन बड़ा कष्ट से बीतता है। मैंने बोला अभी संकल्प करो, मैं सबके हाथ में पानी और फूल दिया, मैंने संकल्प करो हम सबके सब एकादशी व्रत करके, अगली जो एकादशी आ रही है व्रत कर इसका हम फल प्रदान करेंगे, सबके सब हाथ में पानी और फूल लेकर के संकल्प किया। विदेशी कथा में बोल रहा हूँ, यूरोप की। बोले हम सबके सब मिल करके एकादशी व्रत का फल देंगे, संकल्प किया। मैंने जब वहां से आकर किस भक्तों घर में रुका हुआ था, जब आया पहुंचा ना, उनका घर से फोन आया, बोले पिताजी की सदगति हो गई, पिताजी का शरीर ही छोड़ दिया। ये एकादशी व्रत की इतने महिमा, एक एकादशी का नाम पढ़ करके देखना, एक एकादशी का नाम है विजया। अगर वो एकादशी कोई करेगा ना, जहां जाओगे तुम्हारी पराजय कभी नहीं होगी, तुम्हारी विजय होगी। एक एकादशी का नाम है सफला। अगर वो एकादशी करोगे ना, सब जगह तुम्हारी सफल होगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से मुक्ति मिलती है। इतने महिमा एकादशी की, इसलिए एकादशी का दिन नियम है और नहीं खानी चाहिए। 5 रबी शस्य है, जैसे गेहूं से जो चीज बने, दाल से जो कुछ, जौ से, बाजरा से, सोरिष आदि, ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। 15 दिन में एक एकादशी व्रत आती है, और एकादशी का दिन है जो एकादशी व्रत आप रखोगे, एकादशी का जो दूसरे दिन है, एक व्रत खोलने का समय आता है 9 बजे, नहीं तो 10 बजे के अंदर में सूर्योदय के बाद में, कोई अन्न वस्तु को ठाकुर को भोग लगा करके, चावल हो नहीं तो रोटी हो, मुंह में डाल दो, फिर व्रत आपकी खुल जाती है। इसलिए आप लोग कोशिश करना, इस बार जो किए है अच्छी बात है, जो नहीं किए ना, अगली बार जब एकादशी आएगी जरूर आप लोग एकादशी व्रत करना, क्योंकि एकादशी का दिन को हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये जितने सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में रहती है। जैसे सोमवार नहीं करोगे, मंगलवार नहीं करोगे, तुम्हारी कुछ हानि नहीं, लेकिन अगर एकादशी व्रत कोई नहीं करेगा ना, उसको हानि है, क्योंकि उसी दिन अन्न में सारे पाप रहते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करना एकादशी व्रत को जरूर रखने के लिए, अगली बार जरूर एकादशी व्रत रखना, ठीक है। फिर बीच में भी हम एकादशी की अच्छी अच्छी कथा सुनेंगे। अब अभी कल से कथा कितने से शुरू होगी बोलो? 2 से 5 तक, लेकिन अगर 2 बजे से नियम है, ठीक 2 बजे से पहले आ जानी चाहिए कथा में। हनुमान जैसे श्रोता बनो, कथा से पहले आए और प्रेम से एक मन से कथा सुने। मैंने पहले बताया ना, ये कथा को कल्प वृक्ष बताया, अगर आपने सही सही 7 दिन तक कथा सुनो, आप देखना जो कुछ मांगोगे भागवत से, जो कुछ मांगोगे तुम्हार ठाकुर जी समस्त इच्छा को ये पूरी कर देते हैं, ये कल्प वृक्ष है। लेकिन ये कथा को नियम से सुनो। बोले नियम क्या, ध्यान से सुन लो। पहला नियम है भागवत में जो बताया, बिना खाए पिए 7 दिन तक कथा सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन हो, गोपाला ले तेरी कंठी वाला, भैया भूखे से तुम कथा नहीं सुन सकते। फिर दूसरे नियम बताया, अगर भूखे रह कर कथा नहीं सुन सकते हो, कहते घी पी कर कथा सुना 7 दिन तक। बोले भैया घी पिए तो 1 किलो घी का बड़ी कीमत है, 1500 रुपया कहाँ से पैसा लाएगी, फिर पेट पतला हो जाएगा। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो, फलाहार करके कथा सुनो। बोले फल भी बहुत कीमती है, हैं? तब फिर बोले सबसे जो बढ़िया है, एक बार फलाहार करो और एक बार भोजन करो, एक बार बढ़िया से भोजन करो और एक बार फलाहार करो, ये सबसे बढ़िया बताया है, ये सबसे। फिर यहाँ तक बताए, अगर इसमें भी कोई तुम्हारी दिक्कत हो, लेकिन ये तो सबसे बढ़िया,
इसमें भी दिक्कत हो भैया, जितना बार भोजन करना करो, लेकिन एक कथा को ठीक से सुनो, भागवत कथा को ठीक से कथा सुनो, है नियम है, कथा को प्रेम से सुना। अगर ध्यान से कथा सुनेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए साधारण बिस्तरा में सो करके और बढ़िया से कथा सुनेंगे, तो अब जो कुछ भागवत से मांगोगे, भागवत तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी कर देगी भागवत। इसलिए कल से कोशिश करना, 2 बजे ठीक 2 बजे आने के लिए, हैं 2 बजे से बाद में नहीं, बीच में नहीं, लास्ट में नहीं। कथा जैसे सिनेमा देखने जाते होंगे, बताओ कब जाते हो, बीच में, लास्ट में ना पहले, हैं कितना बजे जाते हैं, पहले जाते हैं कथा सुनने के, हैं इसलिए कथा में भी पहले आओ। ये भागवत कथा कल पब्लिक है, ठीक है, कल से हम बढ़िया से 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे। अभी प्रभु जी आपके एक सुंदर भजन सुनाएंगे, उसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर के सबके सब जाएंगे। समय के लिए कीर्तन के माध्यम से ब्रज धाम की ओर ले चलते हैं। राधा रानी का स्मरण खुल करके ताली बजाकर राधा रानी की सेवा करेंगे। और जैसे कि महाराज जी ने बताया कि संसार के दुख रूपी नाश से बचना है, तो भगवान के चरणों में कथा कीर्तन यहाँ हो साधु समाज का, वहाँ आप भैया कुछ समय के लिए जरूर मदद कर लेना। नहीं तो संसार के आगे दुख रूपी नाच, हम लोग 24 घंटे नाच रहे हैं, कोई पति के आगे, कोई पत्नी के आगे, कोई संसार का भी नाच। जो मांगेंगे सो दीवाने मन
दीवानी मन हो दीवानी मन राधे राधे Thank you.
होते हैं और ठाकुर जी हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यहाँ ये जरूरी बात आई राधा नाथ के रूपी में देखिए मौसमी करण अनन्नास करण आनंद जो रस है उसके पीछे लेकिन इस समय गुरुदेव के मुखार से हम कथा श्रवण कर रहे हैं कथा को पी रहे हैं कानों के द्वारा कानों के द्वारा इस कथा को हम पी रहे हैं कि को राधा नाम के रस Yeah.
महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज मुझे आदेश दिए, जय जय श्री राजा। आइए मैं बोलूंगा किशोरी राधे, आप प्यार से कहेंगे जय राधे। किशोरी राधे 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 We'll be right back.
I'm gonna go get some water.